আপনার যদি কোয়ার্টারলি ধরি প্রিমিয়াম 13,102 রুপিস, তো এই টোটাল প্রিমিয়ামটাকে কিভাবে ডিডাক্ট করা হবে? Not getting clear, madam. কোন প্ল্যান আছে, মানে কিভাবে যাচ্ছে কোয়ার্টার? আপনি বলছেন একবার ইয়ার টোটাল প্রিমিয়াম হি পেড দিয়া হে অর কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম দে রে? তো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য প্রিমিস? ইয়ারলি প্রিমিয়াম কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম হাউ মাচ? 914। अगर आप हिंदी से बात करेंगे तो बाकी लोगों को भी थोड़ा इजी रहेगा समझने में। अगर 914 नंबर टेबल है, अच्छा आप बांग्ला में बोलो ना, 914 नंबर टेबल কত বছর সাম এশিওরড এন্ড টার্ম? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন, কত নয় টাকা সাম এশিওরড, কোন প্ল্যান, কি টার্ম আছে? প্ল্যান হচ্ছে আপনার 914 এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান, ওকে, আর টার্ম হচ্ছে 20 ইয়ার্স, ওকে, সাম এশিওরড 10 লাখস, ফাইন, টোটাল 10 লাখস এ ওর প্রিমিয়াম যাচ্ছে 20 ইয়ার্স এ 10,05,345, ফাইন, ঠিক আছে। এবার ধরুন প্রিমিয়াম নিচ্ছি 13,102 রুপিস, এই অ্যামাউন্টটা যাচ্ছে আপনার এলআইসি মিউচুয়াল ফান্ডের, ওকে, না সরি এলআইসি তে, তো হ্যাঁ। এবার মান্থলি তাহলে মিউচুয়াল ফান্ডে কত যাচ্ছে? 4,367 যা আপনার ইয়ারলি প্রিমিয়াম হবে, আর কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম হবে, ইট উইল বি ডিভাইডেড বাই 3, ডিভাইডেড বাই 3, ইয়া, তাহলে আপনার সেম টেনরে প্রিমিয়ামটা যাবে, শুধু আপনার প্রফিট যেটা হবে সেটা আপনার রিনিউয়াল কালেকশনটা ওখানে আর দিতে হবে না, এছাড়া অ্যাডিশনাল কোনো বেনিফিট নেই। হ্যাঁ, এবার এবার ভদ্রলোক যদি বলে আমার 20 ইয়ার্স টার্ম, আমি 20 ইয়ার্স নেব না 10 ইয়ার্স নেব, ইন দ্যাট কেস, ইন দ্যাট কেস টোটাল প্রিমিয়াম ডিভাইডেড বাই দ্য টেনর, মানে मैडम का सवाल था कि एक क्लाइंट है जो मेरा 20 साल का पॉलिसी दिया हुआ है और बट कस्टमर चाहता है कि मैं 10 साल ही प्रीमियम भरूं, तो इन दैट केस हम लोगों का कैलकुलेशन एसआईपी के लिए जो टोटल प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय जितना साल उनको देना है, डिवाइड बाय दैट, देन अगेन डिवाइडेड बाय 12, तो अगर मेरा 10 लाख रुपए मेरा टोटल प्रीमियम आ रहा है और मेरे को 10 ही साल पे करना है, देन 10 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 10, मतलब जितना साल भरना है, जो अमाउंट आएगा वो साल भर का है, तो हम लोगों को महीना देना है, तो 10 डिवाइड बाय 12, ये जो फिगर आएगा ये आपको एसआईपी आएगा, और हम लोग जब भी 50% ऑफ द टर्म हो जाता है तो हम लोगों की जो भी एसआईपी अमाउंट आते हैं, हम लोग उस एसआईपी अमाउंट पे अब कम से कम 20% का डिस्काउंट कर सकते हैं, मतलब 20% कम ले सकते हैं। अगर जैसे उनका 1 लाख रुपए सालाना आ रहा है तो मेरा 8,373 आएगा महीने का ईएमआई, तो उसके ऊपर हम लोग इसको 7,000 पे भी हम लोग ईएमआई डालेंगे, मतलब ऐसे भी डालेंगे, तो उनकी जो भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम कवर हो जाएंगे, तो इसमें उनको क्या आएगा कि जहाँ उनको 10 लाख रुपए प्रीमियम भरना था वो 8,40,000 रुपए प्रीमियम भरे, राइट? हाँ, और या तो वो सेम अमाउंट अगर भरते हैं 10 साल तो क्या फायदा रहेगा, मैच्योरिटी में उनको बहुत ज्यादा आएगा, मैच्योरिटी में बहुत ज्यादा मिलेंगे, और वो अगर चाहिए देने या 10 साल ले उससे भी कम, दैट मींस प्रीमियम में अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट एसआईपी अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, राइट? ठीक है, ठीक एकदम। ये सब लोगों के लिए ये दो कैलकुलेशन है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये कैलकुलेशन आप लोग, मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारे कैलकुलेशन आप लिख लीजिए एक बार, अपने को एसआईपी अमाउंट जब निकलवाना होता है तब का कैलकुलेशन है जो मेरे को पूरी टर्म में प्रीमियम भरना पड़ता है, देन टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय मेरे को जितना साल प्रीमियम देना है इंस्टॉलमेंट वो नंबर्स डिवाइड बाय 12, क्लियर? टोटल अमाउंट अगर मेरा 10 लाख आता है देन 10 लाख डिवाइड बाय मेरा जितना साल, चलो पकड़ लो मेरे का अगर 12 साल देना है तो डिवाइड बाय 12,
और ये हो गया मेरा साल और मेरा SIP अमाउंट, दैट अमाउंट डिवाइड बाय 12, तो एग्जैक्टली वही फिगर होगा मेरा SIP अमाउंट का। ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ है तो कोई मेरे को चैट बॉक्स में मेंशन करे कि क्लियर है SIP अमाउंट। तो मैं ये करता हूँ, फिर आपको टर्म कितना होगा वो करवा। टेनूर कैसे होगा कि मेरे को मालूम है मेरा प्रीमियम आ रहा है, आपने बोला कि प्रीमियम मेरे को क्या 7000 रुपए देना था अगर मैं 10 साल भरता हूँ तो, बट अभी मैं बोलता हूँ मैं 7000 नहीं दे सकता, मैं 6000 रुपए दे सकता हूँ, या तो मैं मेरे को और थोड़ा कम करो, मैं 10000 के मैं 12000 रुपए दे सकता हूँ या 10000 रुपए दे सकता हूँ, मेरे को टेनूर और कम। तब हम लोग को क्या होगा, ये 10 लाख डिवाइड बाई क्लाइंट जितना अमाउंट देना चाहता है, दैट अमाउंट वो 6000 हो, 8000 हो, 10000 हो, वो डिवाइड उससे डिवाइड करना है। तो पकड़ लेता हूँ, कस्टमर बोलता है कि मैं 10 साल नहीं, मैं इसको, मैं आपने बोला 7000 रुपए, मैं 7000 रुपए नहीं दे सकता हूँ, मैं 6000 रुपए दे सकता हूँ महीने का। तो हम लोग को करना क्या है, टोटल प्रीमियम इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाई 6000, 10 लाख डिवाइडेड बाई 6000, जो भी अमाउंट आएगा, नंबर्स आएगा, उतना महीना होता है। तो हम लोगों को साल भर करना है, तो ये नंबर्स डिवाइड बाय 12, तो इतना साल हम लोगों को देना पड़ेगा फिगर प्रीमियम ऐसे। तो इसमें हम लोग कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं कि सर आपको साल भर नहीं देना है, आप कितना महीना दो। जब हम लोग की प्रेजेंटेशन ऐसे है कि सर आपको इतना मिलेगा, आप कितना महीना देंगे बोलिए, ये चीज कस्टमर के पास नया जाएगा कि महीना 100 महीना दे दीजिए, 200 महीना दे दीजिए, 300 महीना दे दीजिए, 300 मंथ्स इज नथिंग बट 25 इयर्स, बट ये कस्टमर के पास नया चीज है। अगर हम लोग महीने के हिसाब से बात करें, सर आप कितना महीना देंगे, 60 महीना दे दीजिए, 50 महीना दे दीजिए, 75 महीना दे दीजिए, 100 महीना दे दीजिए, 150 महीना दे दीजिए, डबल सेंचुरी दे दीजिए, महीने के हिसाब से हम लोग कस्टमर से बात कर सकते हैं। तब हम लोग की कैलकुलेशन कैसे आएगी कि टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय जो महीना हमने बोला वो महीना। अगर मेरा 10 लाख का प्रीमियम आता है तो अगर मेरे को 100 महीना देना है तो 100 डिवाइड 10 लाख डिवाइड बाय 100, तो वो अमाउंट 10000 रुपए मेरा महीना आएगा। बट अगर 10000 रुपए महीना आता है तो मेरा उद्देश्य मैच्योरिटी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मेरा एडवांस आने के कारण मेरा इंटरेस्ट भी बन रहा है, उसी के चलते मेरा बहुत MF में बैलेंस बन जाएगा। क्लियर? और कोई सवाल किसी को? वुड यू प्लीज टेक द लास्ट सेशन वंस मोर। मैडम लास्ट सेशन सितंबर में फिर दोबारा होंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिना मैडम और कोई सवाल किसी का तो ये तो आज का सेशन शुरू करें। We are expecting few more, but हम लोग जो लोग आ गए उनको हम लोग वेट नहीं करवा सकते, तो जो लोग बाद में आएंगे ज्वाइन करेंगे वो एड हो जाएंगे। तो हम लोग आज का स्टेशन रखते हैं। आज बहुत एक अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी है। मैंने पहले जब डेट डिक्लेयर किया था मेरा ध्यान में नहीं था आज गणेश चतुर्थी है, तो मुंबई वालों का थोड़ा सा गुस्सा था, गुस्सा ही बोलो, बहुत मेरा एक बहुत ही मेंटरशिप में है एक स्टूडेंट मुंबई के थाने ब्रांच की, वृषाली दावरे, तो शी जस्ट फायर्ड ऑन मी, बोला सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन कैसे प्रोग्राम रख सकते हैं। तो उसी चलते मुंबई से नहीं है, ये वृषाली दावरे सीओटी मेंबर है, और व्हेन शी वाज इन द फोर्थ ईयर ऑफ हिज प्रोफेशन उससे तब से शी वाज अंडर माय गाइडेंस, एंड लास्ट ईयर शी डन द सीओटी, और पिछले 4 साल से एमडीआरटी है, तो इस साल का एमडीआरटी हो चुका है उसका, उसकी तो सेकंड एमडीआरटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो 13,80,000 के कमीशन उसका ऑलरेडी इस साल का हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल एमडीआरटी इस साल के लिए, बट ड्यू टू गणेश चतुर्थी इज नॉट एबल टू ज्वाइन, उनके घर में गणेश चतुर्थी। तो ऐसे मुंबई से बहुत सारे लोग हैं जो आज के प्रोग्राम में नहीं है, लास्ट प्रोग्राम में थे,
तो फिर गणेश जी का नाम लेके आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन था प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर, और ये प्लान कॉम्बिनेशन जो है हम लोग LIC के जो हमने लास्ट दो सेशन में देखे है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग LIC का प्लान कैसे कर सकते हैं नई तरीके से, तो उसके ऊपर हम लोग आज का सेशन रहेगा। और मैंने एक चीज बोला था कि आज के सेशन में जो मैंने एक फ्री सेशन रखा था जिसमें हम लोगों ने दिया था कि कैसे क्वार्टरली प्रीमियम, क्योंकि अभी पैंडेमिक के कारण हम लोग किसी से LIC का बात किसी तरह से नहीं कर पाते, बट आगे चल के हम लोगों के लिए प्रीमियम तैयार करें तो उसके लिए क्वार्टरली प्रीमियम कैसे जनरेट करना पड़ता है, उसके लिए मैंने एक सेशन लिया था। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया में वो कॉम्प्लीमेंट्री रखा था सबको, तो वो सेशन वो वाला पार्ट उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट था, तो उसमें ये सिर्फ क्वार्टरली प्रीमियम कैसे जनरेट करना है वो मैं आप लोगों को आज पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग आज कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। और मैं बोलता हूँ आज आपको एक ऐसा आइडिया प्लान कॉम्बिनेशन दूंगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, एक सिंपल सिंगल प्लान है, बट आपको प्रेजेंट जब आप करेंगे तो आप भी बात मुंह से बात निकल जाएगा कि ये आपको कैसे हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। सिंगल प्लान का नया प्रेजेंटेशन, आपकी दोस्त जो फिलो कॉलीग है वो एक प्रेजेंटेशन देगा सेम अमाउंट पे सेम कुछ, बट आप कुछ एक्स्ट्रा देंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है, बट ये आपने आज तक नहीं प्रेजेंटेशन देखा होगा, ये गारंटी है। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना आपको म्यूट कर लीजिए, ये तो साउंड डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, हम लोग एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्वार्टरली प्रीमियम के लिए, मेरा आवाज आ रहा है सबको, तो चैट बॉक्स में थोड़ा यूज यस लिख दीजिए, एम आई ऑडिबल? थैंक यू। ओके, हम लोग कस्टमर को एक चीज बोल सकते हैं, अभी कस्टमर से जब हम लोग मिलने जा रहे हैं, और मेरा प्रोस्पेक्ट से कस्टमर नहीं बोलूंगा प्रोस्पेक्ट से, या तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नया पॉलिसी के लिए, तो हम लोग कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर अभी का देखो ये सीजन परिस्थिति में आपको रेगुलर इनकम होनी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे इनकम आना चाहिए। तो बोले हाँ तुम लोगों का तो 4 साल पहले कोई इनकम आता ही नहीं है, सर अगर आपको 3 महीना बाद आपको कैशबैक आता है तो कैसे लगता है? 3 महीना बाद ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ सर, ये पैंडेमिक के कारण सारे दुनिया सारे कंपनीज कुछ नया नया प्रोडक्ट ला रहा है ताकि अपने कंज्यूमर को वो बेटर सर्विस दे सके, तो उसलिए LIC ने भी एक नया कैशबैक स्कीम लाया है जहां पे आपको हर 3 महीना बाद आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा, और कितना मिलेगा, आप हर महीना जितना दीजिएगा उसका 1.5 गुना आपको हर 3 महीने बाद कंटिन्यू देता जाएगा। ये कब से स्टार्ट होगा? सर बोल रहा हूँ तो 3 महीने बाद, आज आप स्टार्ट करते हो तो आज से 3 महीना बाद हर महीने की 1 तारीख को अगर वो कोई हॉलीडे सैटरडे या संडे ना रहा तो आपकी अकाउंट पे 1.5 गुना आपका महीने इंस्टॉलमेंट का वापस आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? दोबारा बोलू, आप महीने का जितना दीजिएगा उसका 1.5 गुना आपको चौथी महीने की 1 तारीख को आपकी अकाउंट पे ऑटोमेटिक आता जाएगा हर 3 महीने बाद। ये पैंडेमिक के कारण कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट के लिए LIC ने एक नया स्कीम लाया हुआ है, और ये टेनर भी बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 5 साल का है। क्या मिलेगा सर? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर आप 2000 रुपए का इंस्टॉलमेंट डालते हो हर महीना तो आपको तो क्वार्टरली पे आउट मिलेगा 3000 रुपए का, उसके बाद आपको 5 साल बाद आपकी वो रिटर्न आएगी 76,000 रुपीज, 76,000 रुपए जो आपको बैंक में मिलता है 72,000 रुपीज, यहाँ पे 76,000 मिलेगा। और इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा? नहीं, ये इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएगा, उसमें बस थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगेगा, स्लाइटली थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आपको 76,000 रुपीज मिल जाएगा। और इसके कारण बैंक में आप RD करते हो तो उसमें आपको जब भी बीच में पैसा चाहिए होता है पूरे आपकी RD तोड़नी पड़ती है, बट इस स्कीम में ये RD में LIC में आपको कोई भी RD तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी यह क्वार्टरली इनकम जो आते हैं उसके बाद भी आपको पैसा चाहिए
तो आप वहां से पैसा ले सकते हो और आपका ये स्कीम कंटिन्यू रहेगा। और बैंक की आरडी में आपको कोई क्वार्टरल इनकम नहीं आता, हमारे यहाँ पे क्वार्टरल इनकम आता है। ये स्कीम में हम लोगों को ऐसे एडवाइजर क्या फायदा रहेगा कि हर 3 महीना बाद उसको पैसा आएगा, और उसमें क्या ना कस्टमर को छोटा छोटा अमाउंट ही करने का, 15,000-20,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं लाने। क्यों वो बाद में आता हूँ, 2,000-3,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट डालने का SIP। 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट डालेंगे तो 3,000 उसको कैशबैक मिलेगा। 3,000 जैसे कैशबैक है ना, 3,000 वो किसी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, 3,000 रुपए खर्च कर देगा, कुछ ना किसी कारण में खर्च कर देगा। 3 महीना बाद, लगभग 3-6 महीना बाद, 6 महीने के अंदर में जैसा सिनेरियो चल रहा है उसमें वैक्सीन आ जाएगा, मोटा मोटी ये सारा चीज नॉर्मल होता जाएगा पैंडेमिक का सिचुएशन। तो बाय द वे इट्स कम्स अनदर 1 ईयर एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बट 6 महीने बाद से नॉर्मल होता जाएगा। तो जैसे 3 महीने बाद उसको पैसा आया, हमको मालूम है इसको पैसा मिला, जाएगा यार 3,000 रुपए का क्या गया, अरे खर्चा हो गया, ओके कोई बात नहीं, देखो मिला ना अभी तुमने ये खर्चा कर सका, हाँ ठीक है। फिर 3 महीना बाद मिला, क्या खर्चा, अरे ये खर्चा हो गया, ये देखो तुम्हें बार बार तुमको पैसा मिल रहा है तुम खर्चा कर दे रहे हो, कोई फायदा नहीं हो रहा इसका, इसका कुछ करो, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसका कुछ ख्याल रखना, किसी काम पे अच्छे काम पे लगाना, कहीं पे इन्वेस्ट कर देना। हमने क्या बोला, नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपने अच्छे काम में लगाना या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देना। जैसे तीसरा महीना आया, थर्ड इंस्टॉलमेंट पैसे का क्या किया, अरे कुछ करने, अभी तो उसका लास्ट 2 बार खर्चा हो गया, इसलिए बोलता हूँ कि पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट करो। एक काम करो, इसको जब तुम्हें जरूरत नहीं है, पिछले दो इंस्टॉलमेंट आपने खर्च कर दिया, ये भी आप खर्च करने वाले हो, इसको आप इन्वेस्ट कर दो, आपको पैसा आ रहा है ना तो आप इसको इन्वेस्ट कर दो। कहा दो, अरे ये स्कीम में कर दो ना, और कौन सी स्कीम में करना, उसमें तो हम लोग माहिर है, कोई भी LIC का स्कीम उसको पकड़ा दो, वो उसको 3,000 रुपए आ रहा है क्वार्टरली, हर तीन महीने बाद पैसा आना, मतलब अपने लिए क्वार्टरली प्रीमियम आना, तो उसके पास क्वार्टरली 3,000 रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे लिए 3,000 रुपए का क्वार्टरली प्रीमियम आ रहा है, मतलब सालाना 12,000 की प्रीमियम आ रहा है। तो अगर सालाना 12,000 रुपए की प्रीमियम आ रहा है तो कितना का पॉलिसी आ गया, अगर 10 साल भी और 12 साल भी देगा, 14-12 भी हम लोग देंगे, तब भी 1,40,000 की प्रीमियम आ जाएगा। अगर तो वो भी नहीं था, और बीच में उसको पैसा चाहिए ना, तो वो पैसे के लिए तो उसका जो हर 3 महीने में उसके पास पैसा जमा हो रहा है, तो उस पैसे से वो कभी भी पैसा आप उठा के वापस दे सकते हो। और जब एक बार उसको ये लग जाएगा, वो 5 साल बाद कभी बंद नहीं करेगा। तो इसमें अपना क्या आएगा, उसमें हम लोगों को एक क्वार्टरली प्रीमियम का यह आ जाएगा, क्वार्टरली प्रीमियम हम लोगों का चालू हो जाएगा। तो उसी क्वार्टरली प्रीमियम में हम लोग कोई भी पॉलिसी उसको दे सकते हैं। अगर हम लोग कस्टमर 3,000 रुपए दे सकते हैं तो 4,500 रुपए आया, कस्टमर 4,000 रुपए दे रहा है तो कस्टमर को 5,000 रुपए है। इतना ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि SIP का इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है मेरा रिटर्न 150%, वो 7,000 या 8,000 में जाए, क्योंकि अगर 8,000 में जाएगा ना तो 3 महीने बाद 8,000 रुपए जाएगा, वो मोबाइल खरीद लेगा, क्योंकि अभी 8,000 से 10,000 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फोन आ रहे हैं, तो 3 महीने बाद यार फोन खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो उतना अमाउंट उनको नहीं करने का। अगर वो देने की ताकत रखता है तो वो ही 8,000 रुपए, अगर वो SIP भी दे सकता 8,000 रुपए, तो आप 8,000 को पहले 4,000 लो, उसके बाद उसको फिर बोला एक देख एक इंस्टॉलमेंट आ गया, अभी इसको कर और एक 4,000 रुपए दे, तो ऐसे करके उनको इंस्टॉलमेंट बढ़ाओ उसका SIP का। 10,000 भी दे सकते हो कस्टमर को 3 महीने में लाओ, उसका कोई भी इंस्टॉलमेंट बढ़ रहा अमाउंट नहीं होना चाहिए, कि अगर कोई उनको 10,000 रुपीज दिया तो उसको 15,000 रुपए का कैशबैक आएगा, तो 15,000 रुपए से कोई भी इंसान घर का कुछ भी सामान खरीद सकता है, वो फ्रिज खरीद सकता है, टीवी इंस्टॉलमेंट ले सकता है, आज 15,000 में LED टीवी आ रहा है 40 इंच की, बहुत बढ़िया फोन आ रहा है, 6 GB रैम के साथ फोन आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बाइक का डाउन पेमेंट हो जाएगा, बट अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा। तो आपने को जागर कस्टमर का हैसियत है उसको 10,000 के 15,000 रुपए देने का, लेकिन आपने को नहीं चाहिए, आपने को छोटा SIP चाहिए उसमें,
ताकि आपने के जब आगे चल के हम लोग उसको पॉलिसी का समझाएं तो पॉलिसी के प्रीमियम हम लोगों को मिल जाए. ओके, इज इट क्लियर नाउ ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार यस लिखिए, या कोई डाउट है तो भी आप सवाल बोल सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ. जी थैंक यू, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, प्लीज रिपीट. ओके, दुर्गा जी को रिपीट करना है एक बार. मनीष जी को अच्छा लगा, थैंक यू मनीष जी. ओके, हर को हर महीना जितना इंस्टॉलमेंट आएगा, 2000 रुपए का मैंने इंस्टॉलमेंट दिया तो 3 महीने बाद चौथे महीने की फर्स्ट तारीख को उनके अकाउंट पे 4000 रुपए आ जाएंगे. जैसे दुर्गा जी, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मैं जो एडवाइजर हूँ, आप क्लाइंट है, तो आपको मैंने ये बोला, तो आपने मेरे को आज एसआईपी दिया, तो पहला इंस्टॉलमेंट आज गया, सितंबर का सेकंड इंस्टॉलमेंट आया, अक्टूबर में थर्ड इंस्टॉलमेंट गया, तो 3 महीने का अंदर नवम्बर की फर्स्ट तारीख को आपकी अकाउंट पे 3000 रुपए क्रेडिट होंगे, प्रोवाइडेड 1 तारीख हॉलीडे नहीं है, सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे म्यूचुअल फंड काम नहीं करता और कोई हॉलीडे नहीं होगा. अगर ये 3 चीज नहीं रहा तो 1 तारीख आपके अकाउंट में पैसा जाएगा. ये चीज आप 2 डेट कर सकते हैं, या तो कस्टमर को 1 तारीख बोल सकते हैं, या तो कस्टमर को 15 तारीख बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ही डेट पे आपको ये पैसा म्यूचुअल फंड से जाएगा. 2 तारीख फिक्स्ड, 1 तारीख या तो 15 तारीख. ओके, अभी 2000-3000 से ज्यादा हमको एसआईपी नहीं करना है, क्योंकि आपको एसआईपी कोई कस्टमर 10,000 भी देना चाहे तो आपने तो उसको स्प्लिट करना है. क्यों स्प्लिट करना है? क्योंकि कस्टमर अगर 10,000 रुपीज का एसआईपी करता है तो कस्टमर का कैशबैक आएगा 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए में आज उसको एक एलईडी टीवी खरीद सकता है, फ्रिज खरीद सकता है, वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, बाइक खरीद का डाउन पेमेंट कर सकता है. तो अमाउंट हमेशा 3,000, 4,000, 2,000 ऐसे करके रखना है. कस्टमर 6,000 रुपए भी देता है तो कस्टमर को 3,000 का 2 इंस्टॉलमेंट करना चाहिए, ताकि एक साथ उसको 9,000 रुपए ना आए. 9,000 आएगा तो वो मोबाइल खरीद लेगा. तो जब पहला इंस्टॉलमेंट आएगा तो कस्टमर को बोलना है पैसा क्या क्या, 3,000-4,000 रुपए आएगा, वो पैसा खर्च कर देगा कहीं पे, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, बोला चलो अच्छा हुआ तुम्हारा काम में लग गया, ठीक है. अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, वो भी खर्च कर देगा, तब आता है अपना रोल. देखो तुमने पैसा आया खर्च कर दिया, अभी नेक्स्ट टाइम जब पैसा आएगा ना तो उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट, अच्छी प्लानिंग करके करना, या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देना. हमने क्या बोला, कहीं इन्वेस्ट कर देना, मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करना है. जैसे तीसरा इंस्टॉलमेंट आने को उसका टाइम हुआ तो उसको बोलो देख अभी कहीं पे खर्च मत करो, इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो. आपने जब उनको ये बोला कि अच्छा आइडिया दिया, 2 पेमेंट आया, तब वो आपको, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको ही पूछेगा इसको कहाँ इन्वेस्ट करो. तब तो अपना है एक काम कर, अभी तो सब कुछ कवर लेगा, अभी तो नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ भी काम करके 10-15 साल काम कर लेगा, उसके बाद क्या करोगे. एक काम करो 15 साल बाद एक रेगुलर इनकम का प्लान कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो कहीं. क्या करना है वो आपने नहीं बोला, 15 साल बाद आपको रेगुलर इनकम ऐसा कुछ कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, कहीं पे, अपने को अपना प्रोडक्ट पिच नहीं करने का, कहीं पे इन्वेस्ट करो. वो फिर भी पूछेगा कहाँ पे करो. एक काम करो ना, कहीं पे, या तो LIC में इस पॉलिसी में डाल दो कि आपको रेगुलर टैक्स फ्री इनकम आए. और ध्यान में LIC का प्रोडक्ट बोल सकते बोलना कि ध्यान में कहीं पे भी डालो, ध्यान में रखना वो टैक्स फ्री हो. और आज की मार्केट में टैक्स फ्री मतलब रेगुलर इनकम एक ही है, अपने LIC, उसके सिवा और कोई टैक्स फ्री प्रोडक्ट नहीं है रेगुलर इनकम में. तो आप उसको LIC का प्रोडक्ट उसमें आप डाल सकते हो. क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? अगर क्लियर है प्लीज एक बार कोई. ओके
এটা বলছি, আপনি এটা কি কি কোন ফান্ডে রাখছেন? It's a purely debt fund. Problem. This is pure debt fund. मैंने last session में भी बोला था कि ये जो भी कुछ होगा, LIC की तीन ही स्कीम आता है, LIC liquid fund, LIC MF savings fund, LIC MF banking and PSU debt fund. और अगर हमको क्वार्टरली इसमें कंटिन्यू करना है तो इसके लिए हम लोग बैंकिंग पीयूसी में दे सकते हैं, या तो LIC का एक चौथा स्कीम है शॉर्ट टर्म डेट फंड, उसमें भी हम लोग उसको दे सकते हैं। इसी में लॉक इन नहीं है, कोई भी मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं है, सारे प्रोडक्ट में प्योरली डेट प्रोडक्ट है, सिक्योरिटीज पेपर में है, बैंक्स पेपर में इसमें है, तो इसमें मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं है। आज भी बैंकिंग पीयूसी में 11% का इंटरेस्ट कस्टमर क्लाइंट को मिलता है, लेकिन हम लोग सारे प्रेजेंटेशन में बैंकिंग पीएसयू का रिटर्न 6% रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल में कोई भी बैंक पीएसयू का रिटर्न 8 से 8.5% के अंदर में आता है। लास्ट ईयर में एक अच्छा जंप रिटर्न दिया, उसको 11% का रिटर्न मिला। मेरे एक इन्वेस्टमेंट क्लाइंट है और MRI हॉस्पिटल के डेप्यूटी जनरल मैनेजर HR, एंड शी इज सेइंग इक्विटी में क्यों रखा, इसमें 13% का रिटर्न है, 13.68% रिटर्न शो कर रहा है, तुम्हारा इक्विटी 8% का शो कर रहा है, पूरा पैसा उठा के इसी में डाल दे। मैडम ये एक साल का आपको रिटर्न दिख रहा है, आगे में रिटर्न नहीं दिखेगा, तो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रख। तो अगर ये डेट प्रोडक्ट इतना अच्छा रिटर्न देता तो इक्विटी में लोग क्यों रखते, मतलब वो एक साल कभी अब दे देता है। ओके तो क्लियर है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन पुअर टुडे माय साइड। मदनदीन जी, मदनदीन जी, मैं तो इतना हैरान, ये मैं था डाउट में था कि आज का सेशन ले सकता हूँ क्या, इतना थंडरिंग और तेज बारिश, मतलब टोरेंशियली, इट वाज टोरेंशियल रेनिंग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लाइटनिंग, मतलब कान का तो शायद कान का पर्दा भी फटने वाला, ऐसे साउंड और लाइटनिंग हो रहा था। अल्लाह चलो ब्रॉडबैंड तो गई होगी आज, पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि नेट मोबाइल नेट तो काम ही नहीं कर रहा। चलो गणेश जी का हम लोग के ऊपर ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे तो कुछ सब कुछ हो रहा है, तो आपकी यहाँ पे भी शायद ठीक हो जाएगा, नॉट एन इशू। ओके, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मेरे को एक चीज सब बोल रही, अब कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया था जो एक्सेल फाइल मिला था उसमें, एक्सेल फाइल में इन लोगों ने ओपन करके प्रैक्टिस किया था? अभी इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ तो लिखा है, आए मिस्टर दत्तू, हाँ मिस्टर दत्तू ने मेरे को सवाल पूछे थे, राइट। ओके, और कोई? नॉट डन। चलो ये अच्छा लगा तुर्जू जी, आपने एक्सेप्ट किया कि मैंने नहीं किया, चलो इसका मतलब बाकी लोगों ने नहीं किया, सिर्फ एक ही लोग ने किया। ओके, कोई बात नहीं, आपके पास फाइल है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट हो आप उसमें व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। ओके, आज हम लोगों का सेशन था कि हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें थ्रू LIC म्यूचुअल फंड। लास्ट डे मैंने एक सेशन प्लान दिखाया था। अच्छा, लास्ट सेशन आई डिडंट अटेंड। আপনি আগেরবার যেটা দেখেছিলেন ওটাই করানো হয়েছিল, তো ওটার মধ্যে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখিয়েছিলাম কিভাবে SIP অ্যামাউন্ট বের করতে হয়, কিভাবে টার্ম ছোট করতে হয়। আসলে আমার নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম বলে আমি ঠিকমতো মানে ঠিক সময় এন্ট্রি করতে পারিনি, আগেরবারও এবারেও আজকেও তাই, এটা হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, নট এন ইস্যু, আপনি যখন নেক্সট সেশন হবে ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড দ্যাট, ইউ অ্যাটেন্ড দ্যাট ওয়ান, তো আজকে আপনার অনেকটা আইডিয়া হয়ে যাবে আপনি যেটা মিস করেছেন। ওকে ওকে, হিন্দি, ওকে ওকে, অন হিন্দি, হ্যাঁ ডেফিনেটলি। নীলেশ জি, ও তুর্জো জি থোড়া বাংলা মে কুছ সওয়াল পুছ রহে থে, ও নরমাল ও সেশন কে লিয়ে নি, ও মিস কর গয়ে থে, তো হ্যাঁ। ওকে, তো জেসে হাম লোগ লাস্ট কিয়ে থে না কি হাম লোগ কা টার্ম কেসে কম কর সকতে হ্যায়, লাস্ট সেশন মে হামনে এক কনসেপ্ট বোলা থা
कि बिजनेसमैन को कैसे अप्रोच करने का, किसी ने किया है टर्म इंश्योरेंस के साथ? किसी ने नहीं किया? देखो ये अच्छे अच्छे टिप्स आपको मिलेंगे, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, एक कोई भी अगर आपको टिप मिलता है ना तो एक या दो बार उसको एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर एक दो बार आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आगे दिमाग में रहेगा, लेकिन एक बार भी हमने एक्सरसाइज नहीं किया ना वो एकदम दिमाग से निकल जाता है। तो कोई भी आपको आइडिया मिले तो आइडिया को एक कस्टमर या दो कस्टमर के साथ जाके वो एक्सरसाइज करिए, तो क्या ना बैक ऑफ द माइंड आपने दिमाग में छप जाते हैं उसका पिक्चर। तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन है ना तो बैक ऑफ द माइंड ऑटोमेटिक वो रिएक्टिवेट हो जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस के एक बार देख लीजिएगा, हम लोगों ने टर्म इंश्योरेंस में क्या बोला था कि कोई 3 साल देके भी उसको बंद कर सकता, तो उसमें आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। और एक बोला था कि सेलिब्रेशन फंड, कोई अगर किसी को याद है सेलिब्रेशन फंड, कोई खुद को अनम्यूट करके एक बार बोलेंगे उसका सेलिब्रेशन फंड? एनीवन? सेलिब्रेशन फंड इसको याद है? ये ले, ये क्या हुआ? सेलिब्रेशन फंड किसी को याद नहीं है? मिस्टर भौमिक, अशोक भौमिक, he has not joined last day. Mr. Dotto, Sudipta Dotto, celebration fund. एक तो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सबको सुनाई दे। Combination of LIC banking and PSU fund and LIC policy. हाँ वो क्या, but उसको कैसे करना है, present कैसे करना है? हाँ आप एक celebration आप तो कुछ celebration मनाएंगे आपका life में, तो celebration मनाने के लिए fund create कर दीजिए, वो आपका होगा। आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। ओके चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक नॉर्मल सिंगल प्लान है कि अपना प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए क्लाइंट के पास जाके। हम लोग क्लाइंट को सेलिब्रेशन फंड इज बेसिकली नथिंग बट अ रिटायरमेंट पर्पस। हम लोग सबको बोलते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस कर लो, रिटायरमेंट कॉर्पस कर लो, सब लोग जाके बोलते हैं। माता दिन भी जाके, माता दिन जी भी बोलते हैं, नीलेश जी भी बोलते हैं, आशीष जी भी बोलते हैं, अशोक जी भी बोलते हैं, सुनीता जी भी बोलते हैं, बट मेरा बात क्यों सुने? सभी तो रिटायरमेंट कॉर्पस, तो वो मेरे से क्यों ले? तो वो मेरे से तभी लेगा कि जब मैं कुछ नया बोलूं। और हर कस्टमर पेम्परिंग अच्छा लगता है हर किसी को, ये ह्यूमन साइको है कि अगर आपको भी कोई पेम्पर करेगा ना, प्यार से बात करेगा, कुछ नया अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा, मेरे को बोलेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अगर वो बोलता आज यू आर लुकिंग गुड टुडे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, चलो अच्छा बात बोला। तो वैसे भी कस्टमर को भी पेम्परिंग अच्छा लगता है। तो कस्टमर को हम लोग रिटायरमेंट कॉर्पस की जगह पे अपने को रिटायरमेंट कॉर्पस ही बेचना है। बट हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट के लिए सके फंड बना लो, उसमें आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब कुछ नहीं है। अल्टीमेटली क्या है, अपने को पॉलिसी सेल करना है। प्रेजेंटेशन उसका कुछ डिफरेंट होना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या होगा, सर आप कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे, और कितना साल काम करोगे? टेबल लेता हूँ, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए सोचता नहीं है यंग चैंप्स, तो उसको पकड़ता हूँ 35 साल एवरेज एज पकड़ता हूँ। आप कितना कर लो, और 25 साल तो काम करोगे 60 साल के। ये टारगेट कस्टमर जो है ना, अपनी जो परमानेंट सर्विस होल्डर्स है, गवर्नमेंट हो बैंक हो, जिनको 60 साल के पहले नौकरी जाने की कोई रिस्क नहीं है, वहां पे बेचना है। ये सेगमेंट वो है, नहीं तो आपको बोलेगा हम लोग जॉब की कोई गारंटी नहीं है।
तो उस सेगमेंट में जाके पीएसयू में, फिर आपकी प्राइवेट में भी बहुत सारे कंपनी से जो रिसर्च, जैसे टाटा में कोई एक बार घुस जाएगा तो उसकी रिटायरमेंट के पहले जॉब जाती नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बीएसएनएल में, बीएसएनएल में भी खतरा है। तो ऐसे सारी जगह पे आपको ढूंढना है, बैंक पे तुमको कि सर अगर आप आज 12 साल काम कर रहे हो तो बोलेगा मैं तो मेरा पहला जॉब है, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद से नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये तीसरा जॉब है, चौथा जॉब है, पहला जॉब, उसे कोई मतलब नहीं है, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। अरे वाह, बिग अमाउंट 12 साल, और 20-25 साल काम करोगे, हाँ रिटायरमेंट तो 60 तक तो काम करूंगा, यहाँ पे उसे ह्यूज थिंग्स है, इतना साल काम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर आपको नहीं लगता ये अचीवमेंट आपको सेलिब्रेट करना चाहिए? बोला मतलब, बोला सर आपके बच्चे तो है आपके, सर कोई भी काम करता है ना, कुछ अच्छा रिजल्ट करता है, कोई स्पोर्ट्स में आता है तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, घर में छोटा सा पार्टी होता है, ज्यादा कुछ नहीं है तो 4-5 लोग फैमिली मेंबर मिलके थोड़ा सा पार्टी करते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, ये कुछ अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेशन होता है। तो सर आप 12 साल काम कर चुके हो और आगे चल के 25 साल और काम करने वाले, मतलब 37 ईयर्स, ये बोल के थोड़ा सा पॉज देना है, 37 ईयर्स काम करेंगे आप, इट्स अ ह्यूज थिंग सर, और ये इसका तो एक सेलिब्रेशन बनता है सर, 37 साल काम करना कॉन्टिन्यूसली बहुत बड़ी बात है सर, और इतनी बड़ी बात का विदाउट सेलिब्रेशन नहीं बनता है सर, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। और सेलिब्रेशन आप कहाँ से करेंगे? मेरे को, मैं लास्ट सेशन में बोला था, मेरे को अभी याद भी नहीं है, अगर कोई बोल सकते क्या, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा का एक फिल्म था जिसमें रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ब्रदर सिस्टर बने थे, अनिल कपूर उनके फादर थे, वो फिल्म में उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था क्रूज में, आप वो भी एग्जांपल दे सकते हो। तो देखो सर आप कहाँ पे जाना चाहोगे, क्रूज में जाना चाहेंगे जैसे उन्होंने 25 साल किए थे, तो आपका 37 ईयर्स का क्रूज में जाना चाहेंगे, या फॉरेन टूर में जाना चाहेंगे, या फुल फैमिली को लेकर पार्टी देना चाहेंगे, तो कैसा होता है सर, आप कैसे करना चाहेंगे? सर उनको कुछ बोलने से पहले हम लोग सर वो प्रेजेंट के लिए आपको कैसा लगता है कि अगर 25 लाख रुपए काफी होंगे? अरे सर आप उसका टेंशन मत लो, 25 का बंदोबस्त मैं करके दूंगा, मैं हूं ना, ये उनकी तरफ से कुछ भी आने से पहले आपकी तरफ से डिलीवरी होनी चाहिए, सर वो 25 का बंदोबस्त मैं करूंगा, मैं हूं ना, आप बोलो आपको कितना चाहिए, 25 में हो जाएगा एक्सपेक्ट करते? हाँ 25 तक तो हो जाएगा, बट कितना देना बोलो? अरे सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 ही साल भरना है। कितना? सर 10,000 रुपए, 10,000 बहुत ज्यादा है सर, कितना बढ़ सकता है? अरे 5,000 रुपए, कोई बात नहीं सर, तो 10 साल भर दो, या तो 10,000 रुपए करके आप 5 साल भरो, या 5,000 रुपए का 10 साल भरो, आपको 25 साल बाद आप जब रिटायर करोगे तब आपको मैं 25 लाख रुपए देने वाला हूँ, ये गारंटी मेरे तरफ से, और उस पैसे पे एक पैसे के भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सेलिब्रेशन फंड है, वो सेलिब्रेशन के लिए ही पूरा मिलेगा आपको। ऐसा होता है? होता है सर, चेक दो और फॉर्म साइन करो, इन्वेस्टमेंट फॉर्म साइन करो, और ये तो बोल सकते सर से आपको क्या करना है, सिर्फ दो जगह पे साइन करना है, दो पेपर पे साइन करना है, आपके सेलिब्रेशन फंड पेपर, ये आपके सेलिब्रेशन पेपर है, और उसको LIC पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म नहीं बोलना है सर, ये सेलिब्रेशन पेपर है, सेलिब्रेशन बॉन्ड है, आप बॉन्ड खरीद रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, और ये LIC का प्रपोजल पेपर, LIC म्यूचुअल फंड का पेपर, और प्रीमियम डिडक्शन का जो पेपर है, वो सारे पेपर एक साथ करके जब जैसे कस्टमर के पास आप जाओ, ये सारे प्रपोजल फॉर्म एक साथ करके 10 रुपीज की फाइल आती है, 10-12 रुपए की, तो वो फाइल आप ले लो, जैसे अगर आप कोई मुंबई से, मेरे को मालूम नहीं एक दो लोग मुंबई से हो सकते हैं, तो आपको वो बड़ा बाजार फोटो गैलरी में मिल जाएगा, पूरा फाइल ले लो, वो फाइल में सारे फॉर्म डाल के बोलो सर आप इसको सेंड करो। अगर मेरा सेलिब्रेशन फंड रहा है तो मेरा प्रेजेंटेशन भी ऐसी होनी चाहिए, मैं बैग से प्लास्टिक थैले से फॉर्म निकल के बाहर करके दिया, ऐसे नहीं, तो सेलिब्रेशन बड़ा चीज है, तो उसमें LIC का प्रपोजल फॉर्म, LIC म्यूचुअल फंड का प्रपोजल फॉर्म, और प्रीमियम डिडक्शन का फॉर्म, ये सारे चीज, और आगे आपके पर्सनलाइज डेटा शीट हो, वो पूरी डेटा शीट एक साथ दो और उनको साइन करवाओ उसमें, तो इससे करके उनको अच्छा लगेगा, तो उसके बाद अभी ये कौन सी पॉलिसी है,
ये सिंपल 914 25 5.5 लाख रुपए की पॉलिसी है जो आपको 14 लाख समथिंग के रिटर्न देती है, और बाकी जो है वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है। वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ वो कैसे होता है। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। सब लोग पेन एंड पेपर के साथ है ना? पेन एंड पेपर साथ में है तो ओके, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेंगे आपको। ये कहा गया रे जीवन बंदे के मस्ती नहीं। 914 ईयर को तो अच्छे टर्म की अच्छे 914 टर्म 914 25 मैडम ठीक। एंड ऐसे 5.5 लाख रुपए और दिस नंबर। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? ज्यादा हो गई। स्क्रीन क्लियर? स्क्रीन क्लियर है ना सबको? ओके चलो गुड। तो 35 इयर्स में अभी आपके प्रीमियम कैलकुलेटर निकालो, 35 इयर्स में 914 25 5.5 लाख रुपए की सम एश्योर्ड का प्रीमियम कितना आता है क्वार्टरली बोलिए। क्वार्टरली प्रीमियम 914 25 5.5 लाख रुपए के, इतना टाइम जल्दी 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 5705 टका क्वार्टरली 5705 टका राइट ओके 5705 टका तो हमरा प्रीमियम में लिखलाम 5705 टका ओके देखो 5705 টাকা আমি কত বলেছিলাম চলো স্টার্ট কনসেপ্ট কি ছিল 10000 করে 5 বছর 5000 করে 10 বছর আর যদি 7000 হয় তাহলে 7 বছর আমি এখানে 7000 দিলাম আমাদের কাজ হচ্ছে 7000 মানে হচ্ছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট এখানে ওপেনিং ব্যালেন্স এসে যাবে 7000 এখানে দিলাম আমাদের হম লোগ কা কাম হ্যায় 12 7 সাল দেনা হ্যায় মতলব 84 মান্থস ইয়ে মহিনে কা হ্যায় তো স্ক্রল করকে নিচে আনা হ্যায় और 85 में जाके यहाँ पे जीरो प्रेस करना है। जैसे ही जीरो करते हैं बाकी पूरी जीरो हो जाएगी। और 25 साल में मेरे उसका मैच्योरिटी कितना होता है मैडम? 5.5 लाख 5.5 लाख 14 लाख 57 हजार 57000 ये 14 लाख 57 हजार देख लीजिए यहाँ पे है। और मेरे को 25 साल मतलब 300 महीना तो महीने में हम लोग 300 में जाते हैं 300 में ये 300 में जाके ये अमाउंट आते हैं अपने को ये देखिए ये 11,54,153 रुपए 7% के हिसाब से ये रहा 7 स्क्रीन का शेयर करने भालू है स्क्रीन शेयर ही तो चल चुका मैडम स्क्रीन का आश्चर्य ना
स्क्रीन आ रहा है सबको? स्क्रीन आ रहा है सबको? ना अच्छा ना। अगर स्क्रीन आ रहा है तो कोई एक बार स्क्रीन में लिखे। हाँ आ रहा है, निलेश जी बोल रहे, आ रहा है प्रियंका ठाकुर, आ रहा है तुलजादास शुक्ला, आपके यहाँ पे कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये 11,54,153 रुपए मेरे एलआईसी के मैच्योरिटी है, जो मेरे 7% पे 7,000 रुपए करके देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको भी ये दिख जाएगा जो भी फिगर है यहाँ पे, ये 11,00,000। अभी मैं 7,000 हो गया, अभी मैंने बोला था 10,000 रुपए करके दो, 10,000 हो गया, 10,000। तो मेरे को 5 साल भरना है, तो मतलब 5 साल मतलब 60, तो मेरा 61 में जाके इसको जीरो भरना है, कर दिया जीरो। देखो 10,000 रुपए करके देता हूं ना तो मेरा 28,00,000 बन रहा है, तो इसको मैं 6% कर देता हूँ, अगर मैं 6% भी करता हूँ तो करीबन 25,00,000 आ ही जाता है। यहाँ पे देखो अभी 6 है, शो कर रहा है 6, मैंने इसको व्हाइट कर करके, चलो इसको ब्लैक करता हूँ, अगर इसको मैं ब्लैक कर दूँ, ये देखो 6% आ रहा है, अगर मैं 6% देता हूँ तो भी मेरे 50,000। अब इसको मैं 6.25 देता हूँ तो देखो 25,62,000 आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं 6.5 देता हूँ तो 26,52,000 आता है, और अगर यहाँ पे 7% देता हूँ तो मेरा 28,48,000 आ रहा है। और एट प्रेजेंट बैंक पीयूसी का मैं रिटर्न देता हूँ at present as on date 10.97%, आप देखो कितना आ रहा है as on date, as on today, मैं last एक साल का bank PLC का जो return है, अगर वो मैं put करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा 25 साल, अगर मैं कर लेता हूँ कि 25 साल ही return देगा, तो मेरा 56,00,000 का return है, मैं उतना expect में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं पकड़ता हूँ वो 7% का ही दे। बैंकिंग पीयूसी का एवरेज रिटर्न है 8.4%, तो 7% में पकड़ता हूं तो मेरा 28,00,000 आ रहा है 10,000 रुपए करके 5 साल। अभी हमने 7 साल का, 7,000 का भी देख लिया 7 साल, और हमने ये भी देख लिया 10,000 करके 5 साल, तो एक बार 5,000 रुपए करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाके हमने 5,000 डाला, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे 5,000 डाला, यहाँ पे 7 का था ना, तो यहाँ पे जाके 5,000 डाला, और 10 के बाद वो खत्म होता है, मतलब 121 में जाके जरूरत है वही पे। ओके, 5 या 10 साल क्यों भरना है, मैं वो सवाल लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे अगर 5,000 रुपए भी करके देता हूँ 7 साल में, वो भी करीबन 25,00,000 रुपए आना, 24,20,000 रुपए। हाँ, अभी नीलेश जी का सवाल था 5 या 10 साल क्यों देना है, ये तो 25 साल है, लंबे कस्टमर के पास अगर हम लोग 5 साल में पैसा वापस ला, पूरा पैसा ला सकते हैं, तो अपनी पॉलिसी इनफोर्स गारंटी है, वो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट की प्रीमियम जो है वो आ गया। अभी इसमें और एक फायदा है, कस्टमर की पॉलिसी आगे कंटिन्यू हो गई, अपने को मालूम है कस्टमर ने 10 साल 10,000 रुपए करके डाल दे, 5 साल क्यों देना है, उसका मैजिक देखिए उसमें क्या फायदा आता है। 10 साल 10,000 रुपए करके दिया और मैंने इसमें जाके 61 में जाके उसको जीरो कर दिया, उसके पास तब भी 5,91,000 की लगभग 6,00,000 रुपए की फंड है, 5 साल बाद उसका 6,00,000 रुपए की फंड जमा हो गया म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उसने पैसा कितना भरा, 1,20,000 के पास 6,00,000 रुपए प्रीमियम भर दिया, और हमने प्रीमियम कितना दिया, सिर्फ 1,14,100 रुपए, 6,00,000 में हमने इन्वेस्ट किया और 1,14,000, तो लगभग 5,00,000 की तो कैपिटल ही है, 4,86,000 की प्लस इंटरेस्ट के साथ 5,91,000। तो ये जो ऐसा था, इसके बाद हम लोग वहां उनको प्रपोज कर सकते हैं, सर एक काम करो, तो अभी चालू हो गया, आगे और क्या करना है,
आप देखो ये 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, और एक क्लाइंट जब महीने का 10,000 रुपए देना स्टार्ट करता है, कर सकता है, मतलब उसका पैसा साइड हो रहा है, तो ये 10,000 दूसरी जगह पे कहाँ जाएगा, ये दूसरा 10,000 रुपए स्टार्ट हो जाएगा ना अपना। जैसे हम लोग पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद क्या बोलते हैं, सर इसका कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, और ये 10,000 रुपए आ रहा था इसमें और एक पॉलिसी डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं। लेकिन कस्टमर का क्या होना, 25 साल दिया उसके बाद फिर और दू यार, कुछ तो एंजॉय करने दे, तो वो कभी अब क्या होता है ना, हम लोग हाथ से निकल जाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर पैसा अगर भरना भी नहीं चाहता, बोले बहुत भी और नहीं दे सकते, कोई बात नहीं सर 2 लाख का एक पॉलिसी डाल देता हूँ, आपके पास 6 लाख का पॉलिसी है, आपके यहाँ पे 6 लाख का फंड है, आप यहाँ से 2 लाख का एक पॉलिसी एडजस्ट कर दो दूसरा फॉर्म डाल के। और कस्टमर तो बीच बीच में बोले सर आपका इतना पैसा ना भरा हुआ है, देखो इतना अच्छा रिटर्न है, कुछ 15-20 हजार रुपए है तो दो दे डाल दो इसमें, या तो एक काम करता हूँ सर 2,000 का एक ऐसे भी डाल देता हूँ इसमें, फिर से आपको देखो प्रीमियम भी भर रहे हो उसके बाद इतना पैसा है, तो आप इसमें 2,000 का और एक ऐसे भी डाल दे, तो इसमें आप 2,000 का और एक ऐसे भी डाल दे, तो आपने जो नया पॉलिसी लिया है ना वो भी आपकी गारंटी हो जाती है प्रीमियम। तो ये प्रीमियम शॉर्ट करने का फायदा, एक तो पहला फायदा था कि अपना रिन्यूअल कलेक्शन कम हो जाना, मतलब अपना टाइम देना बंद हो जाए, और तो ये क्राइसिस में जैसे ऐसे कोई अगर क्राइसिस पीरियड आता है तो अपना प्रीमियम चालू रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और लैप्सेशन मेरा कम हो जाए, क्योंकि पूरा प्रीमियम का पैसा आ गया तो मतलब प्रीमियम तो कंटिन्यू है ना मेरा, इसमें कोई लैप्सेशन नहीं है। तो उससे ज्यादा बड़ा फायदा कि मैं इसमें नया पॉलिसी हासिल कर सकता, जैसे मेरा SIP खत्म होता है ना मैं वही से नया पॉलिसी दे सकता हूँ, मेरे को 25 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और ये पूरे 5 साल में सिर्फ बीच में एक एक पिंच करने का, सर आपका सेलिब्रेशन फंड कहाँ जाएंगे, कुछ प्लान किया है क्या, प्लान करिए मैडम से पूछिए, ये उनको सिर्फ सपना जो है ना वो सपने को सोने नहीं देना चाहिए, वो अपना काम है वो सपने को जगा के रखना, और सपना जब तक फ्लोट में रहेगा ना तब तक अपना दरवाजा खुला है, सपना बंद मतलब अपना दरवाजा बंद। अपना प्रोडक्ट दो ही चीज पे बिकता है, एक सपना और डर, डर इस बात का कि वो सपना ना टूट जाए, जितना भी कॉन्सेप्ट लगा लो अगर जब तक सपना टूटने का डर ना हो कोई भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं आता है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब सपना टूटने का डर रहेगा, और अगर सपना टूटने का डर नहीं रहा तो कितना से कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट डाल दो, कितना से कितना बढ़िया टूल्स यूज कर लो, कोई फायदा नहीं, सपने को खुरद खुरद कर उनको रखना है सामने। तो ये क्लियर है। और नीलेश जी 5 या 10 साल क्यों देना है, आप इसको 7 साल भी दे सकते हो, 15 साल भी कर सकते हो, अपना काम है टेनुर कम करना। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ বলছি যে এই যে যেটা প্রিমিয়াম যেটা বলেছিল কোয়ার্টারলি, এটা কি হাফ ইয়ারলি বা ইয়ারলি হয় না? হ্যাঁ হতা হ্যায় ইয়ারলি হাফ ইয়ারলি ভি হতা হ্যায়। ওতে অসুবিধা কিছু হয়? কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে থ্যাংক ইউ। স্যার শুভঙ্কর দা, এই যে ওপেনিং ব্যালেন্স দেখাচ্ছে 5,23,000। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি এমন একটু 5.5 লাখ, হ্যাঁ 5.5 লাখের আপনি সাম অ্যাসিওর ধরতে বলেছেন, 5.5 লাখ, হ্যাঁ তো এটা কোথায় গেল? 5,23,000 কোথায় গেল? এই যে 5,23,000, হ্যাঁ তো এইটা তো ওপেনিং ব্যালেন্স কার 5.5 লাখই হবে তো? না 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 না, এটা ওপেনিং ব্যালেন্স হচ্ছে আপনি যে ইনভেস্টমেন্টটা করছেন এসআইপি তার, এটা 55th মান্থে শুরুতে। ওকে আচ্ছা, এটা এসআইপি এর এই দেখুন দিস ইজ ইওর প্রিমিয়াম, আপনি এসআইপি দিলেন, দিস ইজ ইওর সাব টোটাল, দিস ইজ ইওর ইন্টারেস্ট সাব টোটাল, ইওর প্রিমিয়াম ডিডাক্টেড। আচ্ছা আরেকটা জিনিস, ইন্টারেস্টটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ইন্টারেস্ট ম্যাডাম এই শীটটা সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাদের, ইন্টারেস্ট ইজ মানে দিস এন্টায়ার শীট ইজ গিভেন। আপনাকে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে না ম্যাডাম, ইট ইজ অটো ক্যালকুলেটেড, ইটস অলরেডি ডান।
আমি ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করছি, ম্যানুয়ালি যদি করি কি করে? আপনি যে পার্টটা ধরবেন ইজ টোটাল ইনটু ইওর রেট অফ ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই 12, এটা মান্থলি ডিভাইডেড বাই মান্থ 12 হ্যাঁ ইয়ার ওকে এই টোটাল প্রিমিয়াম আর সাব টোটাল এটা কি দেখাচ্ছে? সাব টোটালটা इंस्टॉलमेंट खत्म हो जा रहा है तब देखिए यहाँ पे 5,91,000 उसके बाद मैंने 5,705 दिया तो 5,88,000 है। अभी 5,88,998 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऐड हुआ 34,000 रुपए का तो अभी कुछ नहीं है। तो आप देखो ये प्रीमियम भरने के बाद मेरा 3 इंस्टॉलमेंट आता है इंटरेस्ट का, जो मेरा 3 इंटरेस्ट है, 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा बन रहा है 10,367 रुपए। 10,000 ये तीनों आप ऐड करेंगे ना तो आपको यहाँ पे शो कर रहे, देखो नीचे मेरा माउस पॉइंटर देखो 10,367 आपका टोटल आ रहा है इंटरेस्ट 3 महीने का। अच्छा, और आप लोग प्रीमियम कितना भर रहे हैं? 5,700, मतलब लगभग हाफ प्रीमियम, जितना मेरे को इंटरेस्ट अर्निंग आ रहा है उससे आधा ही मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये 3 मिला के मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 10,792, मैं दे रहा हूँ 5,700। थोड़ा और नीचे जाता हूँ यहाँ पे आप देखो 11,354 मेरा जा रहा है लगभग, अभी यहाँ पे आ गया 8 साल में जाके मेरा आ रहा है कितना? आधा। अच्छा, 8 साल में मैं जितने इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ उसका आधा ही मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर मैं 10 साल बाद जाता हूँ तो मेरा कितना आता है देखिए 12,314 रुपए मेरा इंटरेस्ट अर्न आ रहा है और मैं प्रीमियम भर रहा हूँ 5,700, मतलब आधे से भी कम। जैसे आपको वक्त ज्यादा बीतता जाएगा आपकी इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, फ्यू टाइम्स मल्टीपल टाइम्स आ जाती है प्रीमियम। मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ 15 साल बाद आपकी कितना आता है? 15 साल बाद आपकी इंटरेस्ट अर्निंग आती है, अरे ये नहीं वाला, आपकी इंटरेस्ट अर्निंग आती है 15,000 रुपए और आप भर रहे 5,705, मतलब 15 साल बाद ऑलमोस्ट आपकी जो इंटरेस्ट है उसकी 1/3 आप प्रीमियम भर रहे। ओके, नाउ क्लियर? क्लियर सब लोग? क्लियर नीलेश जी? 5 या 10 साल का डाउट क्यों रखा? अच्छा, ये जो इंटरेस्ट आ रहा है 3 महीना बाद क्वार्टरली, 3 महीने बाद नहीं 1 महीने बाद आ रहा है, ऐड हो रहा है। ये प्रपोजल में जो म्यूचुअल फंड का प्रपोजल है उसमें क्या लिखना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड? नहीं वो नहीं आ रहा है, वो म्यूचुअल फंड में जमा हो रहा है क्योंकि ये प्रीमियम जो है वो तो आपके म्यूचुअल फंड से ऑटो डिडक्टेड है ना। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड के स्कीम में वो जमा है बैलेंस पे, वहां से प्रीमियम डिडक्शन के बाद ये जा रहा है, आपने को कुछ नहीं करना है, ये ऑटो डिडक्शन है। अच्छा, पहले जो बोला आपने के 3 महीने बाद 3,000 रुपया आएगा अगर 2,000 रुपये SIP डाले तो, वो क्लाइंट अगर चाहे तो रिडीम करके वो 3,000 ले सकता है। वो ऑटोमेटिक डिडक्शन जाता है, जैसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है ना उसको SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। अच्छा, तो जैसे हम लोग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे हर महीना जाने का, वैसे ही आपको हर क्वार्टरली लेने का वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है और SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान होता है। ओ, ये SWP में होगा? हाँ, SWP में होगा। आज की पार्टिसिपेंट में से 2 लोग है जो इसमें बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब बोथ ऑफ देम आर 20 प्लस हो गए उनकी स्कीम। शुभंकर दा, हां बोलछि LIC আমি যখন প্রপোজাল করছি তখন ন্যাস্ট যদি নাম কোয়ালিফাইড হয় তাহলে আমি কি ওখানে ন্যাস্ট দরকার? हां मैडम दोबारा सवाल पूछिएगा। हां আমি বলছি যে অটো ডিডাকশন হয় LIC তে ঢুকছে কিন্তু এবার LIC প্রপোজাল ফর্ম যখন জমা দিচ্ছি তখন কি ওখানে আপনার ন্যাস্ট पुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जो प्रीमियम पॉलिसी करने के टाइम पे है उसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो आपका कंफिडेंस है उसी में आपको पॉलिसी इशू करना है।
और एक चेक एलआईसी म्यूचुअल फंड के नाम पे लेना है, मतलब दो चेक आपको चाहिए, एक एलआईसी के नाम पे और एक एलआईसी म्यूचुअल फंड के नाम पे। ओके, तो ये हो जाने के बाद, आपको कोई मैच नहीं चलना है, आपको म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी करने का जो फॉर्म है वही आपको कंप्लीट करना है। और प्रीमियम डिडक्शन के लिए एक फॉर्म आता है एप्स बोल के, वो म्यूचुअल फंड ऑफिस से ही आपको मिलेंगे, वो फॉर्म फिलअप करना है। सर उस दो पार्टिसिपेंट का कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए फॉर आवर गाइडेंस एंड सपोर्ट, डेफिनेटली नीलेश जी वहाँ पे देंगे। यहाँ पे एक जन ऑलरेडी है और आज दूसरी जगह पे वहाँ पे पूरी पावर कट हो गई, तो ही इज नॉट प्रेजेंट, मिस्टर समीर मजुमदार, उनकी 26 एसआईपी हो गए इसी स्कीम में, और प्रियंका ठाकुर की आई थिंक 18 या 19 है, मतलब दोनों बहुत तोड़ जोड़ से कंपटीशन में है इसमें। तो ये क्लियर है, अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा लिखेंगे तो मैं आगे की प्लान में जाएंगे। प्लीज आप लोग अपना साउंड को थोड़ा म्यूट कर लीजिए, माइक को, तो बाहर का साउंड आ रहा है तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके क्लियर, ओके सो आई एम प्रोसीडिंग। तो ये दो पॉइंट हो गए। अभी एक चीज है, एक नया प्लान कॉम्बिनेशन से हम दे रहे हैं, इसमें भी ये जो म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन डाला गया है उसमें मेन टारगेट है कि हमने लास्ट क्लास में बोला था अपना टारगेट ऑडियंस कौन है, जिनका इनकम स्टेबिलिटी कम है लेकिन हाई इनकम है, जैसे आईटी कंपनीज में है, सेलिब्रिटीज है, प्रोफेशनल्स है, उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनका टेन्योर थोड़ा कम होती है, 5-7 साल बहुत अच्छे कमाएंगे, उसके बाद कोई भरोसा गारंटी नहीं है। आईटी प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स है, फिर आपकी सेलिब्रिटीज हो आजकल, और आपके क्या बोलते हैं लाइव शोज के कारण, फिर टैलेंट हंट के कारण बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उनके इनकम 5-7 years, जो भी स्पेशली मीडिया में है, तो मीडिया की जो इनकम है ना वो एज 35-40 तक लिमिटेड है, उसके बाद जितने सारे लोग हैं वो उतने नहीं है। अब देखो कोई भी स्टार हो स्क्रीन के कैमरा के सामने आते हैं और अपना एज 35 के बाद उनके प्रेजेंस कम हो जाती है। अब देख लो प्रियंका चोपड़ा बोलो, दीपिका पादुकोण बोलो, या कोई भी सेलिब्रिटी बोलो, ये बहुत अच्छी कंटिन्यू फिल्म है, जैसे उनकी एज ढलता गया 35-30 के रेंज में आ गया, ये लोग भी अपने अपने साइड हो गए, किसी ने शादी कर ली, किसी ने बड़े सेलिब्रिटी के साथ शादी कर ली, ये लोग ऐसे स्क्रीन, क्योंकि अभी मेरा प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि मेरे 20-22 साल की जो हीरो हीरोइन है उनका मार्केट है, तो उनकी इस लाइन पे आपकी जो प्रोफेशन करियर है ना 10-15 साल ही होती है, और उसमें 5 साल तो उनको खड़ा होने में निकल जाते हैं, 5 साल अच्छी कमाई और 5 साल बाद कमाई कम होते होते मार्केट से निकल जाते, तो ये 15 साल उनकी लाइफ होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो ये बीच का 5 साल है ना यही उनका एक्चुअल कमाई है, और आपने तो उसी टारगेट पे ही पकड़ना है, तो उनके लिए 5-7 साल ये जो शॉर्ट टेन्योर है ना वो लगती है। फिर पॉलिटिक्स में मैं बोलता हूँ आप एमपी को पकड़ो, एमएलए को पकड़ो, आप आपके एरिया की जो कॉर्पोरेशन की जो जीतका है ना उनको पकड़ो, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जो जीतता है उनको पकड़ो, 3-5 साल के उनको शॉर्ट टर्म हो, तो इन्हें लिए ये सारे स्कीम, उनके पास पैसा है, वो जितने दिन पावर में है, व्हाइट में हो, ब्लैक में हो, हर कलर में उनके पास पैसा है, तो वो पैसे को आप अपने पास रखो, उसके लिए 5-7-10 साल के टर्म। अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूँ, आप लोग लिखो अभी, ये मैं जितना सारे आज प्रेजेंटेशन दूंगा ना, 2 या 3 ही प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ आज, कि वो सारे प्रेजेंटेशन का मैंने एक पिक्चर बना के, पिक्टोरियल बना के मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ, ताकि आप आगे इसको आपके क्लाइंट को शेयर कर सको, उसमें आप लोगों का नाम नहीं रहेगा, वो नाम आप लोग जो पिक्चर देंगे तो पिक्चर को फॉरवर्ड के साथ आप अपना नाम नीचे लिख के आप भेज सकते हो, स्कीम है वो उसके बारे में, उसमें प्लान नहीं रहेगा। पहला जो प्लान है ना उसमें आप देखो कि आपको 10 साल 10 years टैक्स फ्री रिटर्न मिलने वाली है 1,20,000 रुपए करके,
120,000 rupees tax-free income for 10 years. Paid only for 5 years at the rate of 7,000. मधुसूदन जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए. कितना भरना है? 1,20,000 रुपए 10 साल भरना है. 1,20,000 रुपए करके 10 साल मेरे को मिलने वाला है टैक्स फ्री, और मेरे को पे करना है ओनली फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीस पर मंथ. 7,000 पर मंथ आपने बोला. मेरे को बोला, अरे शशिदी जी मैं इतना नहीं भर सकता हूँ, थोड़ा कम करो. कितना भर सकता हूँ? 5,000 रुपए भर सकता हूँ. कोई बात नहीं सर, अगर 5,000 रुपए भरना है तो आपको 5 साल की जगह पे 8 साल भरना पड़ेगा. और मेरे को कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा आपको. 1,20,000 करके 10 साल ही मिलेंगे. लेकिन आपको चूज करना है, या तो आप 5 साल दीजिए 7,000 रुपए करके, या तो 8 साल दीजिए 5,000 रुपए करके. इन दोनों में से आपको चूज करना है. अभी इसको कैसे करना है वो दिखाता हूँ. और इसमें पॉलिसी कौन सी है? 936 16 10 5,60,000 रुपए. ₹5,60,000 अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं. ये हमने LIC MFN LIC जो लिखा हुआ है सिर्फ उस फाइल में जाते हैं. और मेरा जो प्रीमियम है वो हम भरते हैं. फिर कोई क्या बोलो, इसका प्रीमियम कितना आएगा? कोई मेरे को बोलेगा इसका प्रीमियम कितना आएगा? 5,60,000 का 16-10 में 40 साल की एज होती. सोनाली बोले दो. सोनाली मैडम कैलकुलेटर लेके बैठे हुए. वही हमारे क्या सवाल है. 12,721 रुपए शायद क्वार्टरली प्रीमियम आ रहा है पहले साल का. तो मेरे को ऊपर कंफर्म करेंगे. और सेकंड ईयर में शायद 12,447 ऐसा कुछ है. प्लीज कंफर्म एनीवन. दूसरा कुछ मत सोचो. मेरा कि जो भी मंथ का 21 में मेरा बर्थ हुआ था, तो इससे 21 मेरा हमेशा फेवरेट है. ओके चलो, मेरा पहला जो है मैंने यहाँ पे डाला. कितना डाला? 12,721 रुपए हो गया. अभी देखो इसमें ना सेकेंड ईयर रहा मेरा, ये 13वें मंथ पे सेकेंड ईयर कितना आएगा? 12,447 12,447 हो गया मेरा. और मैंने कितना बोला? 5,000 रुपए करके 7 साल भरना है, तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए डाला. 7 साल मतलब 7 × 12 = 84 राइट. तो मेरा राइट मैडम, गुड. चलो आपको तो आ गया ये स्कीम. अभी तो मेरा 85 में जाके इसको जीरो करना है. और यहाँ पे जैसे 60 के बाद शायद इसको मेरे को करना था. ये मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी अमाउंट डालने के बाद इसको सेव नहीं करना. तो मैंने एक्चुअली मेरा जो स्क्रीन है ना, मैंने गलती से सेव कर दिया था, इसके चलते मेरे को हर जगह पे इसको चेंज करना पड़ रहा है. तो आप लोगों को जो फाइल गया है ना, वो कैलकुलेशन करने के बाद कभी सेव नहीं करना. जैसे आप क्लोज करते हैं ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है सेव डोंट सेव, डोंट सेव क्लिक करने का. नहीं तो जैसे यहाँ पे सेव किया ना, वो मेरे जैसे आपको हो जाएगा. तो हो गया. अब देखो अपने को 16वें साल में
16 साल 10 साल प्रीमियम देना है, इसको भी जीरो करना है। 10 साल प्रीमियम मतलब 120। पांच हजार में नहीं जाएगा ये, 5200 का अलग। अब देखो 5200 सॉरी लिखा, ये मेरा प्रीमियम खत्म हो जा रहा है। तो अगर कैलकुलेशन जब आ रहा है तो ये मेरा प्रीमियम एडजस्ट हो गया 118 में, 117 में मेरा प्रीमियम खत्म 5399, क्योंकि 118 मेरे को भरना नहीं है, सॉरी 118 भरना है, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, 5200 की जगह पे कहीं पे एक जगह पे 5300 मेरे को भर देना पड़ेगा। आप 5200 के 5300 भी पकड़ लो तो हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। ओहो यहाँ पे गलती हो गई, इसीलिए मेरा नहीं आ रहा था। हाँ चलो 120 में मैं पहुंचता हूँ, 118 के बाद मेरा प्रीमियम खत्म, तो मेरा पॉलिसी प्रीमियम एडजस्ट हो गई 5,60,000 की, 5,60,000 का प्रीमियम एडजस्ट हो गया। अभी ये जो मैच्योरिटी है इसका, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है मैडम? मैच्योरिटी अमाउंट तो देखेंगे, सॉरी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है मैं उसको 10 साल सेटलमेंट करता हूँ, 9,59,280। तो इसको मैं अगर 10 इयर्स में इसको सेटलमेंट करता हूँ तो मेरा इंस्टॉलमेंट आता है 1,19,800 के आसपास, तो हम लोग 1,20,000 बोल ही सकते हैं। क्लियर हुआ? ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा था आपने समझो, मैंने बोला 8 साल भरना है, हमने 7 साल पे कैलकुलेशन किया इसलिए 5200 तो ऐसा कैसे हो गया, 5000 हमने डाला। अब देखो तार माने 97 থেকে 0 হবার কথা 5000 97 हां आया समझ में आपको, आपकी आपने वो गलती कर दिया, पनिशमेंट मिलना चाहिए। ना ना आपने लिखा आगे सारे प्रीमियम की कैलकुलेशन आप करेंगे, तैयार रहिए। मेरा कैलकुलेशन गलत कैसे हो गया, तो मेरे को भी डाउट में फेंक दो। हाँ आप जाके मेरा 97 देखो जीरो हो गया, 97 में शुरू कर दिया 5000 का, आप देखो 120 में कितना आता है मेरा, देखा 50,000 लगभग मेरा वापस है 42,000, और मेरे को ये 16 साल में मैच्योरिटी लेनी है कि नहीं? हाँ तो 16 साल मतलब मेरा इसको यहाँ पे जीरो करना है, इसको सब जीरो हो गया। 16 साल मतलब कितना महीना? 192। तो मेरे को 192 के एंड में जाना है। चलो किधर है 192, कमन 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 कमन, ये देखो 192 के एंड में 64,000 रुपए के मेरे पास है, 64,000 के बैलेंस है मेरे पास मैच्योरिटी के बाद भी। तो हमने बोला 64,000, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 6.5 देता हूँ, तो देखता हूँ कितना आता है। देखो 64 भी देता हूँ तो 55,000 रुपए वापस आ रहा है, 6.5 चलो 6% देता हूँ कितना आता है। अब देखो 192 में अगर 6% का भी रिटर्न देता है LIC में बैंकिंग एंड PSU, मेरा 16 साल बाद भी 47,000 रुपीस का बैलेंस है म्यूचुअल फंड में, और ये जोने के बाद मेरा 1,19,800 समथिंग का
मेरा 10 इंस्टॉलमेंट आता है। ये प्रीमियम एडजस्टमेंट क्लियर हो गया सबको? 8 साल भरना है 5000 रुपए करके, और ये प्रीमियम यहाँ पे मेरा खत्म होता है 118 में, तब 33,000 बैलेंस है, जो इंटरेस्ट बन के 192 में जाके मेरा बैलेंस बन रहा है 47, लगभग 48,000 6% के हिसाब से। ओके, नाउ ये 7,000 रुपए करके 5 साल देता हूँ, अब उसमें कितना आता है वो देखते हैं हम लोग। 5 साल भरना है तो मतलब अभी कितने में जाके मेरे को जीरो डालना है, 61 में, 61 में हमने जीरो डाला, नीचे हुआ क्या सर? नहीं नीचे नहीं हुआ, यहाँ पे जाके जीरो डालना है। 7,000 तो डालिए। हाँ वो तो डालेंगे ना, पहले इसको नीचे से जा रहा हूँ तो नीचे तो पूरा खत्म कर दूँ। अब यहाँ पे आके अपने को 7,000 डालना है। कितना साल? 5 साल, मतलब 61 में जीरो। अब देखते हैं 61 के बाद सब जीरो है ना, सारे जीरो है। आप देखो यहाँ पे भी खत्म हो गया मेरा प्रीमियम, 12,000 बाकी है, तो मेरा प्रीमियम खत्म। 8,000 रुपए कर 8 साल दो 5,000 करके, या 7,000 रुपए करके 5 साल दो, मेरा 5,60,000 का प्रीमियम खत्म। अभी इसको मैच्योरिटी सेटलमेंट, मैच्योरिटी सेटलमेंट में 119,800 करके मेरा मैच्योरिटी आया सेटलमेंट पे। क्लियर है? ना, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है मेरा? जो मैच्योरिटी के बारे में क्या बोले आप? मैच्योरिटी जो अमाउंट है ना, तो एलआईसी ने क्या सर्कुलर है, अभी सारे प्लान को हम लोग, पहले जो 2-4 प्लान था, जो 900 सीरीज चालू हुआ तो क्या बोला एलआईसी ने कि आप सारे प्लान को 3 ही पार्ट में सेटलमेंट कर सकते हो, या 5 या 10 या 15। तो हम लोग पॉलिसी की शुरुआत में वहां पे जैसे प्रपोजल फॉर्म में दिया, वहां पे हम लोग 10 साल क्लियर करके दे देंगे। तो उनको ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है 9,00,000 आपने जो बोला, वो आपको 10 इंस्टॉलमेंट पे 119,800 अमाउंट करके आपको हर एक साल मिल जाएंगे। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कस्टमर से, सर आपको 10,000 आप जितना भर के आपको आपको 10 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे टैक्स फ्री। कितना मिलेगा सर? आप महीने का आपको 8 साल भरना है, और आपको 8 साल भर के 8 साल आपको इंतजार करना है, और आप महीने का जितना देंगे सिर्फ उसका डबल मिलेंगे। आपने 5 साल 8 साल भरने की जरूरत नहीं। आप पहले अप्रोच ऐसे रखो कि आपको 10 साल रेगुलर इनकम मिलेंगे टैक्स फ्री, सिर्फ 8 साल भरना है आपको। आप कितना मिलेगा? आप महीने का जितना देंगे उसका डबल आपको मिलेंगे, और आपको 8 साल भरना है और आपको 10 साल मिलेंगे, जितना भरेंगे उसका डबल मिलेगा। कितना भरना पड़ेगा? 5,000 रुपए। 5,000 ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 4,000 भरो 8,000 मिलेगा, 3,000 भरो 6,000 मिलेगा, 2,500 भरो 5,000 मिलेगा, 10,000 भरो 20,000 मिलेंगे, 25,000 भरो 50,000 मिलेगा। सर कितना भरो? 30,000 लिख दो, 1,000 रुपए से 1,000 रुपए दिन का आता है। अपने को मालूम है कस्टमर को 30,000 रुपए दे नहीं सकते, लेकिन बोले तो सही। तो 30,000 का सपना सुन के 10 की जगह पे 12 का चेक दे दे। क्लियर हुआ ये? ये क्लियर हुआ तो आगे नेक्स्ट प्लान आएगा। आप सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करके देख सकते हो आपको कितना सेटलमेंट आ रहा है, अगर आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर में आ रहा है सेटलमेंट। चलो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैं आप लोगों को मिल जाएगा जो भी कॉम्बिनेशंस है ना, वो सारे कॉम्बिनेशंस की मैं आपको तो एक तो राइट अप दूंगा पिक्चर बना के। और सेटलमेंट का जो भी हमने सेटलमेंट यहाँ पे दिखाया, वो सेटलमेंट का मैं पीडीएफ भेज दूंगा सबको, ठीक है? अभी दूसरा है कॉन्सेप्ट वही रिटायरमेंट पे, कि यहाँ पे क्या रहेगा, आपको 20 साल हर साल 1,00,000 रुपए करके 20,00,000 रुपए मिलेगा 20 साल में, और भरना कितना पड़ेगा? बहुत ही कम है,
सर सेफ आपको चूज़ 5 साल भरेंगे या 7 साल भरेंगे? या कस्टमर को बोलो कि सर आपको 1 लाख रुपए करके 20 साल मिलेगा नॉन टैक्सेबल रिटर्न, और भरना कितना है? सिर्फ 7 साल और ओनली 7,000 रुपीज। 7,000 रुपए करके अपने को 7 साल भरना है और कितना मिलेगा मेरे को? 1 लाख रुपए करके 20 साल मिलेंगे। मतलब कितना भरा हमने? हमने कितना भरा? कोई कैलकुलेट करेगा अपने कैलकुलेटर में? 7 × 12 = 12 × 7 × 7 5,88,000। और आपने को मिला कितना? 20 लाख। कितना गुना हुआ? 4 गुना। 4 गुना नहीं मैडम, कुछ ज्यादा बोल दिया आपने। 3 से कुछ ज्यादा, ऑलमोस्ट 3.4 times। कस्टमर बोलो सर कौन देता है आज? वो भी नॉन टैक्सेबल है, और अगर हम इसको टैक्सेबल लगा दे तो ये तो 4 गुना से ज्यादा होगा, करीबन 4.5 गुना आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के तो सारे प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल आने वाले, अरे टैक्सेबल होने वाले हैं। ये आप लोगों को मालूम है जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में या सीएफए क्लास में आ चुके हैं। मैं आपको करीबन 2 साल से बोल चुका हूँ कि सारे प्रोडक्ट टैक्सेबल होने वाले हैं। पहला का तो म्यूचुअल फंड हो गया, और LIC बंद नहीं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो विल बी द लास्ट प्रोडक्ट टू बी टैक्सेबल। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है कि अभी कैसे करना है वो अलग बात है। क्या बोलने का? सर आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल में, हर साल 1-1 लाख रुपए करके, वो भी नॉन टैक्सेबल है, जिसमें आपको एक पैसे की टैक्स की जरूरत नहीं है, भरने की जरूरत नहीं है, और उसमें लिए सिर्फ आपको 7 साल भरना है, 7 years ओनली। कितना भरना है? सिर्फ 7,000 रुपए, 7,000 रुपए 7 years, 7 × 7। या तो मैं और एक कैप्शन डाल सकता हूँ, 7 × 7 गेट 1 लाख रुपीज ईच ईयर फॉर 20 years। कुछ भी आप बोलो, कैप्शन डालो 7 × 7 1 लाख रुपए 20 साल के लिए, हर साल 20 साल। अभी क्या प्लान है उसमें वो देखते हैं, नोट डाउन करिए। 936 16 10 2,70,000 के सामेश्वर है। नोट डाउन किया। अभी नेक्स्ट पॉलिसी है 936 21 15 5,20,000। नोट डाउन हो गया। हेलो, हाँ हाँ हो गया, नोट डाउन हो गया ना। अभी अभी इसमें है ना, ये दोनों का मिला के पहला महीना जो चैट में क्या है, तो पहला प्रीमियम कितना लेना है? पहला इंस्टॉलमेंट वही कर देता हूँ। पहला इंस्टॉलमेंट जो लेना है वो आपको 2 चेक पे लेना है, एक तो जो क्वार्टरली प्रीमियम LIC के पास जाएगा, और एक LIC म्यूचुअल फंड में हो जाएगा। ये लेने का 2 तरीका है। अपने को कस्टमर से पूछना है कि सर ये जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये एज 40 ईयर्स है, कि लास्ट क्लास में जैसे बोला था कि अपने को EMI कॉन्सेप्ट है ये, जैसे कुछ भी चीज हम लोग EMI में खरीदते हैं तो ये हम लोग इन्वेस्टमेंट भी EMI में खरीद सकते हैं। कैसे देना? डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो कस्टमर को पूछना है सर आप कितना डाउन पेमेंट करेंगे? 4 इंस्टॉलमेंट 4 महीने का, 4 EMI, 7 EMI या 13 EMI? 4 EMI मतलब 1 क्वार्टरली प्रीमियम 1 SIP, 7 मतलब 6 हाफ ईयरली प्रीमियम 1 SIP, 13 महीना मतलब 1 साल का प्रीमियम और 1 SIP। इसमें और एक चीज होता है, अगर कस्टमर बोलते हैं मैं 4 महीने तो नहीं दे सकता, 3 महीने का दे सकता हूँ, कोई बात नहीं सर,
तीन महीना भी तो अगले महीने से इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो भी हम लोग कर सकते, लेकिन वो 10 तारीख के पहले होगी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बोलना है कस्टमर। जैसे आज 22 तारीख है, आज आपने पॉलिसी किया, चेक दिया, हो गया, सर जो इंस्ट्रूमेंट कटेगा ना वो महीने का पहले 10 दिन के अंदर। तो इस तरह का क्या फायदा है, तो आपको कस्टमर को वो 15-20 दिन की जो गैप पीरियड रहे उसका भी इंटरेस्ट आ जाता है। ओके, तो ये हो गया। अभी ये दोनों का मिला के पहले साल का क्वार्टरली प्रीमियम आता है 13,938 रुपए। सुना ले मैडम, ठीक है ना? प्रीमियम सही है ना? देखते हैं। तेज प्रेम पड़ा तो प्लीज डोंट। प्रियंका जी आप कुछ बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं एक्चुअली व्हाट यू आर राइटिंग। एक्चुअली इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स मतलब ये कि क्लाइंट्स लोग भी स्केयर करने लगते हैं और हम लोगों को भी एक्स्ट्रा सर्विस बढ़ जाता है। 10-15 दिन में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर हम उस एक छोटी सी मैटर में इतना फोकस। ये जो आप ग्रेस पीरियड का मैटर दे रहे हो ना, मिचर का बात नहीं बोला मैंने, ये मत करो। ये ग्रेस पीरियड का कौन बोल रहा है आपको? हमने तो आपको ग्रेस पीरियड की बात ही नहीं हुआ यहाँ पे। वो जो 10-15 दिन का आपने बोला ना, 10-15 दिन का बोला आपको मैंने, जो बोला है आपको शायद वो क्लियर नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला, आज 22 तारीख है, आज आपने LIC का पॉलिसी डाला हुआ है और आपकी इंस्ट्रूमेंट 10 तारीख से स्टार्ट होती है, तो आपका प्रीमियम डिडक्शन डेट कब आएगा? 22 तारीख आएगा, तो 10 तारीख के अंदर आपकी आ गई इंस्टॉलमेंट SIP की, तो 10 से 22, 12 दिन हो गई ना। हाँ। तो इसमें ग्रेस पीरियड कहाँ आ गए? इंस्टॉलमेंट डेट से प्रीमियम डिडक्शन डेट है मेरा एक्चुअली। ठीक है, चल ओके। हेलो, हाँ वो जो क्वार्टरली प्रीमियम आपने पूछा था ना, 2,70,000 क्वार्टरली का हिसाब से हो रहा है 6,222। दोनों मिला के वो मिला के मीन्स 2,70,000 और 5,20,000। जल्दी करो मैडम, आज 7 बजे तक खत्म करना है, हमने 10 मिनट बाद स्टार्ट किया सबके लिए, तो 7:10 को खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद आएगा वो मजेदार प्रेजेंटेशन। सिंगल प्लान का कुछ दूसरा प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं आपको कह रहा हूं, तो ऐसा प्रेजेंटेशन आपने कभी ना सुना है ना किसी कस्टमर को बोला होगा। दो प्रेजेंट क्लाइंट जाएंगे सेम प्रोडक्ट पे, सेम रिटर्न देंगे, मतलब सेम इन्वेस्टमेंट पे सेम रिटर्न देंगे, कुछ दूसरा एडिशनल बेनिफिट के साथ। ऐसे मैंने नॉर्थ ईस्ट पे एक स्टेट पे एक क्लाइंट, एक मेरा एक स्टूडेंट के लिए मैंने एक पॉलिसी क्लोज किया था। मेरे बाजू में एक एडवाइजर थे जो CFPA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट से है, उसने कुछ ऑफर बफर डाल के 1,500 रुपए का सालाना प्रीमियम लिया। मैंने बोला मैं इतना बाहर से दूर से आया, मेरा प्रेजेंटेशन भी आप सुन लो। उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया लेकिन इसके आगे तो कुछ चलता नहीं है। तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, 80,000 का चेक मिला, लेकिन 80,000 नहीं मिला, क्वार्टरली प्रीमियम मिला 21,000 रुपए। वो एडवाइजर बाजू में बैठे हुए उसके साथ मेरे पास 21,000 के LIC के नाम पे चेक आया, साथ में और भी अदर इन्वेस्टमेंट की बात हुआ है, और बोला घर में जाने के लिए और घर में जाने के लिए बाकी कौन के लिए भी कंसल्टेशन फी के हिसाब से एक 12,000 की चेक भी मिल गई। क्यों मिला? क्योंकि प्रेजेंटेशन ही कुछ दूसरा था, जिसके चलते मेरे को प्रीमियम भी ज्यादा मिला वो एडवाइजर को, और साथ में उनकी पूरी पोर्टफोलियो देखने के लिए वो 12,000 का चेक मेरे को मिला। वो किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है, वो उसके छोटा सा ग्लिम्स मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा। वो प्रेजेंटेशन नहीं बट कैसे मिलता है, ये जो क्लाइंट कस्टमर को क्लाइंट एडवाइजर को कंसल्टेशन फी देते हैं, क्यों देते हैं और क्यों दूसरे एडवाइजर से आपको चेक मिलना चाहिए उसको नहीं, आप क्यों कुछ एडिशनल देंगे, वो कैसे प्रेजेंटेशन होता है वो दिखाएंगे। ओके, मैडम कितना प्रीमियम आया? 13,000।
13,938 ओके। अभी सेकंड ईयर में उनका प्रीमियम कितना बनता है? अब जो लिखा है वही है वो नहीं 13,638 रुपए बिना कुछ देखे बोल दिया। ओके चलो ये हो गया मेरा। ये कितना दिन होगा? 10 साल का, मतलब 118 महीना तक मेरे को यही प्रीमियम आएगा 13,638। कब तक आएगा? 18 में। ओके अभी उसके बाद मेरा 15 साल तक प्रीमियम भरना है राइट। उसके बाद जो मेरा प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम आएगा 7,399। तो मेरे को यहाँ पे 121 पे 7,399 भरना है, भरा मैंने, और वो 180 तक जाएगा क्योंकि 15 साल है। तो अच्छा यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुआ है, 7,399 क्योंकि मेरा R&D चलता रहता है ना हर दिन, तो इसी में चलता, कहीं मैंने सेव कर दिया तो ये मेरा फॉर्मूला क्या, मेरे को पूरा शीट वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया 180 में। अभी मेरे को कितना भरना था? 7,000 रुपए करके 7 साल, मतलब 84। तो यहाँ पे जाके भी मेरे को 7,000 करना है क्योंकि हम लोगों ने 5 साल भरा था। तो 7 साल मतलब मेरा कौन से महीने में जीरो करना है? सोनाली मैडम ने कोई और बोलिए, कौन सा महीने में जीरो करना है? 85 में जाके मेरे को जीरो करना है। ओके नाउ हम लोग देखते हैं अभी 15 मतलब 180 में मेरा कितना बैलेंस बनता है। 84 में हमने जीरो कर दिया यहाँ पे 85 में, और मेरा प्रीमियम चालू है 118 महीना तक, मेरा प्रीमियम 13,638 रुपए जाएगा। उस बाद उसके बाद 9,36,16,10 का प्रीमियम मेरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ 21,15,520 का मेरा प्रीमियम चालू रहेगा। सब्सिक्वेंट ईयर का 7,399 रुपए का, मतलब 7,400 के लगभग। वो कौन सा महीना तक चलेगा? 180 मतलब 178 मंथ तक मेरा चलेगा। तो मेरा 178 मंथ में मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट गया 7,399, उसके बाद मेरा 30,000 का बैलेंस है। जैसे मेरा प्रीमियम यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से मेरा इंस्टॉलमेंट मेरा 9,36,16,10 का मैच्योरिटी आती है। यहाँ पे 16,10 का 16 में मैच्योरिटी आया। जैसे मेरा 16 में मैच्योरिटी हुआ, यहाँ पे 16 मतलब 192, मेरा 193 से मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ 16,10 का 5 साल का, सॉरी यहाँ से मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ 5 साल के लिए। 5 साल में मेरा 2,70,000 1,03,000 रुपए करके देता है, और 5 साल देने के बाद 16,5,21 के बाद मेरा 9,36,21,15 का मैच्योरिटी आता है, जो मैंने 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट में डाल दिया सेटलमेंट। तो वहां पे मेरे को 1,02,000 रुपए के आसपास आ रहा है मैच्योरिटी। तो ये 5 साल मिल गया और ये 15 साल मिल गया, तो 5 और 15 मेरे को 20 साल मिल गया, और मैंने भरा कितना था? 7 साल 7,000 रुपए था, जो मेरा 5,88,000 मेरा इन्वेस्टमेंट था, और जो मेरी रिटर्न आई वो मेरा रिटर्न आया 20 लाख रुपए। प्रपोजल फॉर्म भेजो क्या सबको? डिजिटल प्रपोजल फॉर्म। रिटर्न कैसा लगा सबको? अगर रिटर्न आपको अच्छा लगा तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा। ये क्लियर नहीं हुआ है मेरे को। क्लियर नहीं हुआ? जो 9,36,16,10 का मैच्योरिटी है, हमने उसको 5 साल के सेटलमेंट डाले। हो गया। तो ये जब सेटलमेंट खत्म हुआ 5 साल, तब मेरा 9,36,21,15 का मैच्योरिटी आ गया। उसको मैंने 15 साल के लिए सेटलमेंट डाला। अच्छा अच्छा। तो वो 5 साल और ये 15 साल, टोटल 20 साल मेरे को मैच्योरिटी मिला, सेटलमेंट में ईयरली इनकम मिला, और दोनों में मेरे को 1,01,00,000 रुपए की इनकम आ रही थी। और ये पूरे इनकम ले हमने कितना भरा था? 7,000 रुपए करके 7 साल भरा था, मतलब 5,88,000 रुपए, 5,88,000 रुपए भरा मैंने। तो लगभग 3.4 टाइम्स मेरा रिटर्न आ रहा है,
3.4 million. तो ये रिटर्न आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो भी क्लाइंट को अच्छा लगेगा. कितने को अच्छा लगा? चैट बॉक्स में सभी को अच्छा लगा, बट कोई चैट बॉक्स में लिखता नहीं है. मैं स्टोर से तो नहीं लिख रहा, मैं डिजिटल फॉर्म भेज दू, नहीं भेजेंगे. तुर्जु जी को अच्छा लगा, नीलेश जी को बहुत अच्छा लगा, और किसी को? श्रुतु जी को बहुत बढ़िया लगा, मनीष जी को भी बहुत अच्छा लगा. चार लोगों ने रिप्लाई दिया अच्छा लगा, और सोनाली जी ने बोल दिया. तो पांच लोगों को मैं पकड़ लेता हूँ अच्छा लगा, बाकी लोगों का अच्छा नहीं लगा. कोई बात नहीं, जिन लोगों को अच्छा लगा, सोनाली जी गुड कॉन्सेप्ट, ओके. जिन लोगों को अच्छा लगा मैं उनको आपको डिजिटल फॉर्म में भेज रहा हूँ. आप आपके बैग से एक 300 का फॉर्म लो और एक मल्टीपल पॉलिसी का. हाँ, इसे करती हूँ. गुड, ये तो हमें मालूम है, आपके ऑलरेडी 22 पॉलिसी आ चुकी है इसमें. तो आपने फॉर्म लो, उसमें आपने सारे डिटेल्स डालिए और ये आपके कोड में आपके ब्रांच पे जाकर जमा कर दो. क्लियर हुआ? मेरे को देने की जरूरत नहीं, आप ही के कोड में, आप ही के ब्रांच में जमा करो. और ये पॉलिसी का लेके इसके एक प्रेजेंटेशन अपने फाइल में रखो, प्रिंट आउट कॉन्सेप्ट का करके सारे कस्टमर को दो. देखो सर, मैंने किया, अब भी करो. और कस्टमर के पास आ गया ना तो आपकी तो पॉलिसी चालू होगी. आपने कस्टमर से अपने को कितना चाहिए? चार पॉलिसी लिया कस्टमर्स, तो ये अपना पॉलिसी लिखा के कस्टमर से पांच पॉलिसी लिया, मतलब मेरा पहले 3 साल का चालू हो गया मेरा प्रीमियम. और एक बार 3 साल में मैंने प्रीमियम भर दिया तो 3 साल में जो कॉन्सेप्ट दिखा दिखा के मेरे पास बिजनेस आएगा, वो मेरा पॉलिसी चालू हो जाए, कंटिन्यू रह जाएगा. तो मेरी प्रीमियम तो फ्री हो गई ना. मेरा प्रीमियम, अगर मैं साल में 4 पॉलिसी लाता हूँ इसमें, ये कॉन्सेप्ट दिखा के अगर मैं 4 पॉलिसी लाता हूँ साल भर में, तो मेरी प्रीमियम तो फ्री हो गई. कैसे हुआ? 25% कमीशन मिलने वाली है ना, 35%. हाँ, तो 35 हुए. ओह, कम कब था না, 35 ছিল আগে আমাদের ভার মান্থে 25 আসতো, বাকিটা তো এখন তো যাদের 5-6 বছর হয়ে গেছে. 35 মিলা, হ্যাঁ, 16-10 কাজ প্রিমিয়াম হ্যাঁ উসকা বহুত রকম মিলেগা, মতলব এভারেজ আপকো 32 রুপে কে 32 টাকে কে আ জায়েগা. তো আপনি তো প্রিমিয়াম চালু হয়ে গই, আপকো পহল সাল ভর কা প্রিমিয়াম ফ্রি, অর সেকেন্ড ইয়ার মে যাকে উসকা জো রিনিউয়াল হ্যায় ওয়ো আপকো ফ্রি एडिशनल है. तो हर साल में जाके पता चला जो आपको 7 साल भरना था वो आपने 5 साल में खत्म कर दिया, और आपके 20 साल के 20 लाख की इनकम चालू. एनएफएल ठीक है, आगे तक एक बेसि ना करले होबे ना, कस्टमर चेकটা দিয়ে দিলে एनएफएल ले তখন আমার ভালো লাগবে. अगर कस्टमर देगा तब हम करेंगे, इस प्रोसेस में काम नहीं होगा, पहले खुद आगे बढ़ के करेंगे. वो नहीं बता रहा हूँ मैं, बोले मेरा जो सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम दैट साइड आई एम टेलिंग यू. अगर आपको मैंने पहले क्लास में बोला, लास्ट दोनों क्लास में बोला, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में बोला, ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब ये खुद बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है, पहले भी दिया आपने बढ़िया कॉन्सेप्ट, बट फिर आई हैव सम डाउट दैट आई विल डिस्कस विद यू लेटर. अभी नहीं घुस रहा है इतना दिमाग पूरा, इट्स ओवरलोडेड. ओके फाइन, इसमें है नीलेश जी ने बोला, लेकिन सर एमएफ का रिटर्न कभी भी माइनस पे नहीं जाएगा, हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट? ओके नीलेश जी, ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये टोटली लिक्विड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होती है, और बैंक की जो लिक्विड पेपर होता है उसी पे इन्वेस्ट होता है. तो आप इसमें बोल सकते हो, हाँ, ये गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में जाता है और बैंक की जो लिक्विड पेपर होता है उसमें जाता है. ये लिक्विड पेपर 70 दिन, 120 दिन, 56 दिन, 22 दिन के पेपर होते हैं, जिसमें 9.5 से 11.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है. तो ये इस कारण मार्केट की कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता है,
तो इसके चलते वो प्रोडक्ट आपकी लगभग गारंटेड है। हाँ, रिटर्न रिटर्न जो है मतलब इंटरेस्ट जो है वो गारंटेड नहीं होती है, वो वेरी करता है। आप कब जा रहे हो, आप कौन सा पेपर वो ले रहा है, उसी के ऊपर आपका 1-2% का रिटर्न ज्यादा करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि अभी 10% उतना रिटर्न आ रहा है, तो एवरेज जो ये प्रोडक्ट का रिटर्न है ना वो 8-8.5% के अंदर ही रहता है। किसी साल आपको 11% दे दिया, किसी साल आपको 7.5% दिया, किसी साल 9% दिया, तो वो रहता है। बैंकर एवरेज रिटर्न को तो 8.4 अराउंड 8-8.5% का रिटर्न आता है बैंकिंग के लिए। 8.5% अच्छा। मेरा नाम एवरेज न्यू टू हेल्प आई एम कॉन्फ्यूज मैडम, आपको जब भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो सुबीर जी को भी बात कर सकते हैं। ओके, यह है कि अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं और बंदा इसका बेनिफिट एक बार समझता है तो आपके क्लाइंट को कोई और किसी तरह की डाइवर्ट नहीं कर सकेगा। डेफिनेटली प्रियंका जी, आप प्रियंका जी ने लास्ट 3 दिन में स्पेशली लास्ट डे मतलब कल उन्होंने कुछ ऑनलाइन पे ये स्कीम पे कस्टमर को पॉलिसी किए हैं 3 दिन में। और मैं स्क्रीनशॉट प्रियंका जी को नहीं बोला, मैंने कल रात को जब उन्होंने लास्ट फोन किया था मेरे को उसके बाद मैंने देखा कॉल रजिस्टर में, कल पूरे दिन में प्रियंका जी ने मेरे को 24 बार बात की, 24 times। प्रियंका के कांग्रेचुलेशन कौन से बच्चों वाई है 24 टाइम्स क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पे क्लाइंट को कॉन्सेप्ट समझाया, क्लाइंट को उसी दिन 2 दिन में कन्विंस करके क्लाइंट से ऑनलाइन पे बिजनेस भी ले लिया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन प्रियंका। और उसी के चलते उनको कैसे करना है, वो कस्टमर को बोल रहा है, फिर लाइन काट करके मेरे को बोल रहा है, फिर कस्टमर से बात कर रहा है, फिर मेरे को, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस ऑनलाइन पे करके नया है। वो डिजिटल मार्केटिंग पे बिजनेस करके बिजनेस ला रहे हैं, लेकिन कैसे कस्टमर को ऑनलाइन पे करना है ये उनका पहला थर्ड कस्टमर थे जिन्होंने ऑनलाइन पे किया। उनके चलते कल उन्होंने 1 दिन में 2 कस्टमर का बिजनेस लिया, उसके 1 दिन पहले एक लिया, तो करीबन 3 दिन उनका 4 कस्टमर हुआ ऑनलाइन पे। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा काम किया। नीलेश, यहाँ पे 2 जन है, आप कौन सी नीलेश का बात कर रहे हो एक बार देख लीजिए। नीलेश जोशी, तो ये कॉन्सेप्ट गया, ये क्लियर हुआ। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने बोला कि दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, हमने एक कस्टमर के पास, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 936-16-10 5 लाख का रिटर्न कितना है और प्रीमियम कितना है, 936-16-10 5 लाख का मैच्योरिटी, हिसाब से 5 लाख का हो रहा है 8,56,500 रुपया। ओके फाइन, मेरे को बोलेगा 933-16-13 का मैच्योरिटी कितना है, 8,70,000 8,72,500 रुपया
क्या बोला आपने? क्वार्टरली 936 1610 का प्रीमियम आ रहा है 44,524 ईयरली, और सालाना 1,00,000, अरे क्वार्टरली 11,358 रुपए। आपने कस्टमर सोनाली जी ने जाके बोला कि इतना अच्छा पॉलिसी है, 16 साल बाद आपके बच्चे 8,56,000 रुपए मिलेंगे और आपको सिर्फ 10 साल भरना है। कितना भरना है? 44,524 मतलब 11,358 रुपए की हर तीन महीना क्वार्टरली प्रीमियम भरना है। कस्टमर को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोला, सही अच्छा लगा। कस्टमर बोला अभी दो एडवाइजर लोग बाज में गए, एक सोनाली जी गए, एक सरस्वती जी गए। अभी सोनाली जी का चेक मिला, सरस्वती बोला सर मैं आया हूँ तो आप चेक दे रहे हो, बहुत बढ़िया अच्छा बोला, मेरा भी आप एक बार सुन लो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था क्लाइंट को, because that client is a JTO, junior telecom officer, BSNL का। तो वहाँ पे जाके अभी शाश्वती जी ने बोला कि सर आपको उतना ही भरना है, आपको 11,358 करके भरना है, और आपकी जो कोई बात कर रहा है एक बार अपना म्यूट कर लेंगे, तो आपको उसी अमाउंट भरना है 11,358 रुपए, मतलब 3400 रुपए की आपको महीने का भरना है, और आपको 8,56,000 की जगह पे मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, 16,000 रुपए ज्यादा देता हूँ आपको, लेकिन उसके साथ सर मैं एक छोटा सा चीज देता, आपने आपके बच्चे के लिए ये पॉलिसी लिया ना, अगर कुछ आपको हो जाता है आपको इमीडिएट पैसा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने देखा है क्या कि कभी पैसा एक साथ आ जाता है ना, तो पैसा जो है ना वो फटाक पूरी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता, ये आप भी मानते होंगे। हाँ, तो आपने ये इन्वेस्टमेंट किया एक पर्टिकुलर 16 साल बाद आपको रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो पैसा अगर उस टाइम पे नहीं मिला तो सर उस वक्त का काम का क्या होगा? अगर हमको ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इस अमाउंट जो 16 साल या 15 साल बाद का जो आपका टारगेट है वही पे मिलेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा डेफिनेटली सर। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपका पैसा 16 साल बाद ही मिलेगा, और जिस दिन ऐसा कुछ हुआ, दुखद घटना कुछ ऐसा हुआ, उसी दिन जो आप हर साल भरने रहे थे, हर तीन महीना बाद पैसा भर रहे थे, वो पैसा भरना बंद हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर से आपकी घर में 50,000 रुपए की हर साल एक इनकम एलआईसी देता जाएगा आपके घर पे। कब तक? जब तक आपकी पॉलिसी का वो 8,70,000 रुपए ना मिल जाए, ये हर साल 50,000 रुपए करके देगा, और लास्ट में जो 8,70,000 मिलने वाला है ना सर, उस टाइम पे भी 50,000 रुपए और देगा, आपको प्रीमियम उतना ही भरना है सर। आप चेक जिसको भी चाहे दे सकते, चेक किसको मिलेगा? शाश्वती जी को। हमने कौन सा प्लान दिया उनको? शाश्वती जी ने कौन सा प्लान दिया? 933 दिया। हाँ, आपने कौन सा दिया था? 936 दिया था। 36 साल का ही दिया। प्रीमियम उतना ही है, क्लाइंट को उतना ही भरना है, क्लाइंट ने एक पैसा भी ज्यादा नहीं भरा और ना ही उनका टेन्योर भरा चेंज कुछ हुआ। सोनाली जी ने भी बोला उतना भरना है आपको, 10 साल भरना है। शाश्वती जी ने बोला आपको 10 साल ही भरना है, लेकिन आपको ये चीज एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप चेक मेरे को मिलेगा, तब तो मैं तो चेक शाश्वती जी को दूंगा वाला हूँ, तो मेरे को ये सारी चीज एडिशनल मिल रहा है। अब ये कैसे हुआ? सिंपल एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ काम कर लो, चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे किया। हमने पहला साल का कितना रिटर्न था उन्होंने बोला 11,358 रुपए, तो हमने प्रीमियम पे डाला 11,358 रुपए, तो मेरा इसका डिवाइडेशन कितना होता है एसआईपी?
11358 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3786 मतलब हमने बोला 3800 रुपए का एसआईपी डाल देंगे। ओके डाला हमने, कब तक भरना है? 10 साल भरना है। ओप्स, इसको चेंज कर दिया। इसको अपना और माइक म्यूट करेंगे, साउंड आ रहा है। ये देखिए अपने को 3800 भर रहे हैं, कब तक भरना है? 10 साल भरना है। कितना भरना है? 10 साल मतलब 120 तक जाना है। महीना में जाके जीरो बार डालना है। हाँ तो 3800 भरना है 10 साल। 120 तो अगर 120 करना है तो 121 में जाके जीरो भरना है, हो गया। और मेरे को कितना साल उसका प्रीमियम भरना है? यही पे खत्म है। कितना? 10 साल तो देना है जीवन लाभ में। उसके बाद मेरा 22,000 रुपए पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे इसको जीरो डाल दिया। तो मेरा जब 16 साल बाद मेरा मैच्योरिटी होने वाला है मतलब 192 में जाके, तो मेरे को जीवन लाभ है। फायदा क्या हुआ? सोनाली जी को प्रीमियम लाने के बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो सिस्टम में डाल दिया और वही वक्त वो नया बिजनेस के लिए डाल सकता है। ओके अभी इसी जगह पे शास्त्री जी ने बोला कि सर आपको उतना ही भरना है, हर महीना 38 रुपए भरना है। जब वैसे आपने 11,358 डाला था, जैसे आपने 11,358 डाला था, यहाँ पे जाके अपने को 10,000 भरना है। एंड यहाँ पे जाके मेरे को 9867 भरना है, हो गया। और आइए 13 साल भरना है। 13 साल मतलब 156 तक जाएगा ये, तो मतलब यहाँ पे मेरे को 9867 भरना है। तो कौन सा 156 मतलब 153 तक 154 154 तक जाएगा मतलब 9,000 रुपए के थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना है, रिटर्न कितना है। हाँ 6% है, 7% कितना है। तो प्रीमियम पेइंग टाइम तो 13 था लेकिन 10 साल क्यों भरना है? हाँ प्रीमियम पेइंग टाइम तो 13 है, हाँ तो 10 साल क्यों भरना है? 10 साल भरना है ना, क्योंकि सोनाली जी ने 10 साल का प्रपोजल डाला था। तो मैं सोनाली जी से चेक मेरे पास कैसे लाऊं? मेरे को भी 10 साल ही देना पड़ेगा। अच्छा तो अगर मेरे को तो मैं 10 साल दिया क्लाइंट से लिया 38 रुपए करके और मैंने ये लिया और एडिशनल बेनिफिट दिया कस्टमर को। व्हाट की बेनिफिट? एडिशनल बेनिफिट दिया ना, अगर कुछ हो जाता है तो मेरे को इतना मिलेगा। अच्छा 50,000 करे एक एडिशनल हाँ मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलेगा। तो मेरे एडजस्ट होने के बाद 3,500 रुपए मेरे पास वापस रहते हैं। तो
অটোমেটিকলি রুলস এর মধ্যে পড়ে আছে এলআইসি হ্যাঁ অটোমেটিক রুলস এর মধ্যে তো আছে আপনি তো প্ল্যান চেঞ্জ করতে কি দিয়া না উনি 936 16 10 দিয়া তো আপনি 936 16 13 দিয়া বস উনি जितना প্রিমিয়াম কিউকি 16 10 কা প্রিমিয়াম 933 16 13 সে জ্যাদা হ্যায় তো আপনি কাস্টমার সে উতনা হি লায়া প্রিমিয়াম ভরা উতনা হ্যায় কা এসআইপি ডালা জিনহোনে জিতনা সোনালি জি নে বোলা তো আপনি ওবি উতনা হি লিয়া क्योंकि आपने ज्यादा लिया था ना उनसे प्रीमियम आपका कम है तो उसके चलते आपका एसआईपी का जो अमाउंट है वो एलआईसी के पास ज्यादा दिन रहा तो उसको इतना इंटरेस्ट मिला ज्यादा पैसा जिसके चलते आपके 10 साल में जो आपने प्रीमियम भरा था इन्वेस्टमेंट किया था स्वागता दी तुम्हें क्लास पूरा भूले गए छो स्वागता शाश्वती जी शाश्वती जी तुम्हें क्लास पूरा भूले गए छो प्रियंका जी अभी थोड़ा क्लास में कंसंट्रेट करिए प्रियंका जी थोड़ा सा साइड का मत छोड़ दीजिए 456,000 रुपए की मैच्योरिटी आ रही है अरे आपने प्रीमियम भरा इन्वेस्टमेंट किया और आपकी जो प्रीमियम है वो है ₹513,000 की इंटरेस्ट के साथ आपकी प्रीमियम कवर हो जाएगी और आपको एडिशनल ये बेनिफिट आ रहा है तो आप बोला चेक किसको मिलने वाला है कौन किसको चेक देगा कौन किसको चेक देगा सोनाली जी को या शाश्वती जी को चेक किसको मिलेंगे 933 16 10 जो डाला है उसी को मिलेगा अच्छा तो शाश्वती जी अभी आगे से सबको ही बोलना है तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बॉक्स में थोड़ा सा यस लिखेंगे क्यों लो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है सब पहले थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे क्योंकि आपने जो दूसरा सेशन थे तुलसी जी वो आपने मिस कर दिए तो आपको ये जो एडजस्टमेंट है ना ये पूरी चीज हमने सेकंड सेशन में किया था तो अभी तो हम लोग ये दे रहे हैं क्योंकि एडवांटेज दिया जो भी एडवांटेज तो बोलते कि आपने जो प्रीमियम बंद हो जाती है जो जिस टाइम पे पैसा मिलने वाला था वो पैसा मिलेंगे और बीच में अपने को 10% का तो सबमिशन मिलेंगे ओके How can we determine SIP amount with the help of quarterly premium amount for 10 years? Sir, ये जो amount है ना, 10 साल का लिए आपको quarterly premium amount, quarterly premium, आपको 10 साल में जितना सारा, please कोई side में talk कर रहे, बंद करेंगे, please. सभी को म्यूट कर दीजिए. प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग जब बात करना है तो अनम्यूट करके बात करिएगा प्लीज कैसे करेंगे जो भी टोटल पॉलिसी टर्म के प्रीमियम होंगे ना मनीष जी पूछे थे कि डिटरमाइन एसआईपी अमाउंट विद द हेल्प ऑफ क्वार्टरली प्रीमियम अमाउंट फॉर 10 इयर्स ओके अगर हम लोग पकड़ते हैं कि वो 16 साल का 914-16 है तो 16 साल का प्रीमियम भरना है मैंने कर दिया सबको म्यूट थैंक यू फॉर द सजेशन 16 साल का 914 पॉलिसी है तो 914 पॉलिसी जब 16 साल के लिए मैं दे रहा हूँ तो 16 साल में मेरा जो भी प्रीमियम आएगा टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाई 10 ये हो गया पूरी साल भर की डिवाइडेड बाई 12 ये रहेगा मेरा एसआईपी अमाउंट क्वार्टरली प्रीमियम करके 16 साल में जो भी मेरा टोटल अमाउंट होगा डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12 विल बी माय एसआईपी अमाउंट से फॉर एग्जांपल कोई मेरे को बोलेगा 914-16 में पकड़ लीजिए 40 इयर्स एज की 10 लाख के प्रीमियम कितने होंगे मैं पूरी एग्जांपल करके देता हूँ 914-16-10 लाख 40 years age.
बोलिए सम एश्योर्ड कितना? 10 लाख। 10 लाख मंथली 5600 फॉर 10 लाख। मंथली नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को क्वार्टरली चाहिए, हमने क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली रहेगा तो 16,860 या 860 जो भी है आ रहा है। ओके तो अगर यही प्रीमियम है 16 साल के लिए तो 16 साल का प्रीमियम हम पकड़ते हैं 16,851। नहीं नहीं मैं एक टू इंटरप्ट कर रही हूँ। पहला साल है 17,230। हाँ ठीक है, हम लोग उसको बाद में ऐड करें लेंगे। क्वार्टरली उसी को पकड़ते सेकंड ईयर का 16,851 इंटू 4 मतलब पूरी साल हो गया और 16 साल इंटू 16 तो प्रीमियम आया 10,78,464 रुपए। ओके नाउ ये अपने को 10 साल में कंप्लीट करना है। तो ये रहा मेरा टोटल प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय मेरा जितना साल भरना है उतना, तो डिवाइड बाय 10। चलो मैं इसके पहले लेता हूँ मेरे को कितना साल भरना है, 10 साल भरना है। ओके तो मेरा भरेगा टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय जितना साल मेरे को भरना है उसका, तो मेरा साल भर का आया 1,07,846 रुपए। अभी मेरे को 12 से डिवाइड करना है मतलब महीना निकलवाना है, तो ये साल भर का जो आया डिवाइड बाय 12 8,987 रुपए, मतलब 9,000 रुपए की मेरी SIP होगी। क्लियर हुआ? नो इट्स नॉट क्वार्टरली प्रीमियम इनटू 16, इट्स अ क्वार्टरली प्रीमियम इनटू 6 4 इनटू 16। मेरा साउंड आ रहा है सबको? क्वार्टरली प्रीमियम इनटू 4 इनटू 16 क्योंकि साल में 4 आएगा तो 4 क्वार्टर और जितना साल है। हाँ राइट, ईयरली प्रीमियम इनटू 16 तो प्रीमियम SIP अमाउंट जो होगा वो 9,000 है। SIP 9,000 एवरेज अराउंड फिगर। हाँ टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया आपका सिप अमाउंट इक्वल टू सिप अमाउंट इक्वल टू टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 12 ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मेन चीज है, अगर इसमें आप ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा है मेरा टेनुर, SIP टेनुर इक्वल टू टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय SIP अमाउंट। ये रहा, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको मिला चैट बॉक्स में, मैंने दो फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है चैट बॉक्स में। नहीं मिला, मिल गया सबको? नहीं मिला, एक बार देख लीजिए। नहीं मिला, मैं यहाँ मिल गया। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आपको लिख के दे रहा हूँ। 9,000 कोई गलो ये रहा, अभी मिल रहा है। हाँ ये ले, नाउ इट्स क्लियर टू ऑल। SIP amount equal to total premium divided by number of years divided by 12. SIP tenure total premium divided by SIP amount, तो आपको महीने मिल जाएगा और महीने पे वहाँ पे उसके बाद जाके आपको जीरो डालना है। SIP tenure दूसरे SIP amount tenure उसको अगर आपको उसमें कौन सा साल भी डालना है तो आप SIP amount डिवाइड बाई 12 दे देंगे तो आपको साल मिल जाएगा।
क्लियर हो गए, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने मैम? हाँ ठीक है, ओके चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। अभी किसी को कोई भी सवाल, क्योंकि प्रेजेंटेशन की तरफ से सारे खत्म हो गए, तो फिलहाल आगे आपकी कोई भी सवाल हो। किसी का कोई सवाल चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरे को व्हाट्सएप पे आया कि आगे क्या है। आगे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बेस करके सेशन खत्म है, तीन ही सेशन है उसमें सारे क्लियर। अगर आपको इस पे दोबारा वापस करना है तो सितंबर में हम लोग का वही सेशन रिपीट होगा, उसमें आप आ सकते हैं अगर आपको दोबारा ये सेशन करना है। और इसके छोड़ के नेक्स्ट महीने से हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि अपना क्लब पे कर रहे हैं कि वो सब्सक्रिप्शन बेस है, तीन महीने की है, और जिसमें आपको हर 15 दिन में फोर्टनाइटली एक सेशन आएगा, वन एंड हाफ आवर के सेशन आएंगे आपको। मतलब महीने के आपको दो सेशन मिलेंगे, टोटल तीन महीने में आपको छह सेशन मिलेंगे। इसमें मेरे अलावा कुछ सक्सेसफुल एडवाइजर होंगे, गैलेक्सी क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, एमडीआईटी एडवाइजर, वो भी रहेंगे यार। हम लोग के इंटरनल जो भी फैकल्टी मेंबर्स है वो भी रहेंगे, तो टोटल छह सेशन ऐसे हम लोग कंटिन्यू रहेगा। और ये छह सेशन में आपको प्रोस्पेक्टिंग, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रहेगा। अभी ये पेंडेमिक में है, स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग ऑन पेंडेमिक में कैसे करना है, फील्ड में उस पर क्या जाएगा, इस टाइम पे जो भी ऑब्जेक्शन आता है वहाँ उसको कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाएगा। इस दौरान आपको कौन सी प्लान देना है, जैसे हम लोगों ने आज सीखा कि रिटायरमेंट को सेलिब्रेशन बोल के कैसे भेजना है उसके ऊपर रहेंगे। सेकंड सेबिट ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे रहेगा, प्लान्स प्रेजेंटेशन रहेंगे, डिपेंड्स ऑन मार्केट आपके सब्जेक्ट जो भी रहेंगे वो रहेगा, ये सारे चीज पे रहेगा। अपने बेसिक को कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर भी सेशन रहेंगे, तो ये सब कुछ सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्वार्टरली एक सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है और एकदम नॉमिनल फीस में रखा हुआ है, आप इसमें ज्वाइन करके रेगुलर रह सकते हो। और उसमें एक अलग सा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें जो भी क्वेरी हो वो आपको वहाँ पे पुट करेंगे, तो जो भी हम लोग की इंटरनल फैकल्टी होंगी वो आपको क्वेरी का रिप्लाई देंगे कैसे आपको करना है उस ग्रुप में। तो इसके बारे में आपको अगर और कुछ जानना है तो जो भी हमारे नंबर है ऑफिस की वो नंबर पे आप फोन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। मैं दोनों नंबर एक बार आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वापस। दूसरा नंबर है 8479018888। ये दो नंबर पे आप फोन करेंगे आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एक मिनट, ये कैसे होगी, एक मिनट क्लियर कर। ये रहा नंबर 8479018333 और 8401888। ये दो नंबर पे आप फोन करके आपके वो क्लब के सारे डिटेल्स, आपको कैसे फी भरनी है सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। बहुत नॉमिनल फी रखे हुए हम लोग उसमें ताकि सब लोग आए, क्योंकि इस पेंडेमिक में वो सीख के आप काम करिए रखा हुआ है। और इसके सिवा हम लोग की फेसबुक में एक ग्रुप है जनता इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग बीच बीच में शेयर करते रहते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोई फी नहीं है, वो फ्री है। और व्हाट्सएप यूट्यूब में हम लोग का एक चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, उनको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमने जो प्रीवियस बहुत सारे सेशंस हुए उसमें से बहुत सारे सेशंस की हमें सब अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो बहुत सारे सेशंस की क्लिपिंग्स या तो कुछ तो सेशन की पूरी सेशन हमने वहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है, वो भी आप रिव्यू करके देख सकते हो वो वीडियो भी। मैं ग्रुप में शेयर कर, मैं ऑफिस को बोल देता हूँ स्टाफ को, आपको ग्रुप में भी वो सारे चीज का शेयर कर दिया जाएगा, लिंक इंस्टाग्राम का, फिर फेसबुक पेज का, फेसबुक ग्रुप का, यूट्यूब का, वो सारे लिंक शेयर कर दिया। आप वहाँ पे जाके ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तो उसका सारे अपडेट भी मिल जाएंगे,
और YouTube में जाके वीडियो देखिए, पुराने जो हम लोग के सारे सेशंस थे उसमें आपको बहुत सारे अच्छे आइडिया मिलेंगे। बिजनेस इंश्योरेंस के भी अच्छे आइडिया है, मैट्रिमोनियल एड्स से कैसे आपको बिजनेस करना है, मैट्रिमोनियल एड्स से उसका भी छोटा सा क्लिपिंग दिया हुआ है वहाँ पे कि मैट्रिमोनियल एड को कैसे एनकेश करना है, उसमें भी आप देख लेंगे। लास्ट दो प्रेजेंटेशन देवे बोले आकटा जो हलो 933 हलो जो अपना देवा हलो ओके तो वो सारे प्रेजेंटेशन वहाँ पे है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, 20 पॉइंट्स हम लोग कैसे बात करते हैं, तो सारे चीज वहाँ पे सेशन दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी दिया हुआ है, तो आप उसमें रिव्यू करके देख सकते हो। और सारे डिटेल्स पाने के लिए आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके तो आज का सेशन यही तक मेरी तरफ से, और आपको कुछ सवाल और रहा तो आप चैट बॉक्स में या तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? आशीष जी আমি একটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে প্রথমে আপনি যেটা বললেন যে ওই তিনটে প্রিমিয়াম দেব, চতুর্থ মাসে যে একটা পেমেন্ট আসবে যেটা 2000 টাকা করে দিলাম 3000 টাকা, ওটা একটু আমাকে একটু বুঝিয়ে দেন জিনিসটা। যেটা হচ্ছে আমি হার মহিনা মানে জিতনা ইনভেস্টমেন্ট কর রহা হুম ইটলি স্টার্ট সে 2000 রুপিস হম কুছ ভি কর সকতে হ্যায় 500 রুপে ভি লে সকতে হ্যায় लेकिन 500 रुपए से आपने को कोई फायदा नहीं होगा, क्लाइंट को फायदा होगा। अच्छा 2000 रुपए से स्टार्ट करेंगे तो 2000 रुपए करके मेरा 3 महीना दिया, चौथी महीने की 1 तारीख को या 15 तारीख हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 1 या तो 15। तो 1 तारीख को क्लाइंट को क्लाइंट की अकाउंट पे ऑटोमेटिकली 3000 रुपए, मतलब मेरा महीने का जो रहेगा महीने का 1.5 गुना 1.5 times of the monthly installment client ki account pe sidha credit ho jayega। Acha eta chhara ekta jeta amar proshno ache keu jodi at a time ei mutual fund e jodi 1.5 lakh taka dae tole she ki quarterly kichu tulte parbe? Definitely parbe। Mane seta ki porimane ashbe ota kon fund e debe kibhabe seta ki premium deduction er jonno bolchen na emni normal income er jonno? Ha ওটা কি নরমাল ইনকামের জন্য না প্রিমিয়াম অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য? না 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 ওটা ইনকামের জন্য। ইনকামের জন্য এই সেশনের রূপটা পরে করুন, আপনি ফোন করুন অথবা বিশ্ব শুভেচ্ছাটাকে ফোন করুন আপনাকে বলে দেব। ওকে ওকে এলআইসি রিলেটেড করে যদি মিউচুয়াল ফান্ডে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি জিজ্ঞেস করুন। ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ, আমি পরে ফোন করব তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা আর কারোর কোনো কোয়েরি এনিওয়ান? মনীশ জি, মনীশ ভোজ मनीष जी आपका कोई सवाल? मिस्टर विमान कुमार बोल गए आपकी गेम डे 1 की सीरीज 16 की। हां अभी एक थोड़े जॉइन कर लूं। हां हां तो माने टाइम इन से घूमा हो गया किंतु घर ले गए थे जानते थे कि हमें म्यूचुअल फंड और ये लाइफ इंश्योरेंस है तो कांटेक्ट हाउ टू স্যালারি সেভিংস প্রবলেম অনেক সময় তো এটা কাইন্ড অফ আ স্যালারি সেভিংস, এবং একজন অ্যাডভাইজার আছে আমি যার কথা বললাম যে আমার উপর প্রচন্ড ফায়ার হয়েছিল মুম্বাই থেকে ভূষালে, ও পুরো এন্টায়ার স্যালারি সেভিংস এর শুরু করেছিল যখন ফোর্থ মান্থে আমার কাছে আসে, ফোর্থ ইয়ার অফ হিস হার ক্যারিয়ার, তো তখন সে স্যালারি সেভিংস এর দুটো স্কিম করেছিল কিন্তু পরে সেটাকে সে কনভার্ট করে প্রত্যেক কোয়ার্টারলি করে সে মান্থলি এই এসআইপি স্কিমে চলে আসে। এটা কনফার্ম করে যায়। হ্যাঁ তো সেভাবে সুবিধা তো ওটা তো অনেক ইজি হয়ে যায় কারণ কি আপনাকে প্রিমিয়াম কালেকশন নিয়ে ওখানে স্যালারি অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগলো বা কেউ স্যালারি জব ছেড়ে দিল তো অনেক প্রবলেম থাকে, তো তার জন্য যখন স্যালারি সেভিংস অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কনভিন্স করে স্যার ইউজ টফ জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওরকম কি মানে মিউচুয়াল ফান্ড ও সিপ সিপ মেথডই হ্যায় মানে স্যালারি সেভিংস আর ওয়ান টাইপ অফ সিপ মেথড। হ্যাঁ ওটা বলছি পেড। হ্যাঁ
ओके और इसमें अगर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लाइंट्स बोलने से पहले खुद की एक SIP स्टार्ट करिए LIC म्यूचुअल फंड में, आपको ज्यादा नहीं लगता है तो अगर आपकी कोई भी प्रीमियम 12,000 के नीचे है तो आप 1,000 रुपए की भी एक SIP स्टार्ट करिए करके आप उससे प्रीमियम डिडक्शन करिए। एक बार अगर आपको प्रीमियम डिडक्शन आपको खुद की आ जाएगी आपको भी बोलने में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चीज हमेशा रखिए कस्टमर आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर नहीं फोकस करते, कस्टमर इतना उस पर फोकस करता है कि आप जो बोल रहे हो उस पर आप कितना बिलीव करते हो। जब ये चीज आप देखोगे आपके प्रीमियम डिडक्शन हो रहा है तो आपकी कॉन्फिडेंस अलग हो जाती है और वो कॉन्फिडेंस कस्टमर को दिखता है। जब कस्टमर को आपके ऊपर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके खुद के कॉन्फिडेंस दिखता है तभी पॉलिसी क्लोज होती है। ओके ओके तो आपका कोई भी अमाउंट का जरूरत नहीं 4,000-5,000 की, आपकी 1,000 रुपए की एक SIP स्टार्ट करो और वहां से एक प्रीमियम डिडक्शन करवाओ। एक प्रीमियम डिडक्शन करो तो देखो आगे चल के आपकी जो भी है ना आप ऑटोमेटिकली कस्टमर को बोलोगे कि देखो लेके जाओ कस्टमर को, देखो मेरा जा रहा है मेरा डिडक्शन हो रहा है मैंने खुद किया उसके बाद आप लोगों को बोल रहा हूँ। सर पूरी फैमिली के प्रीमियम एक ही सिप से डिडक्शन हो सकता है? जी नहीं, जिसके नाम पे पॉलिसी है उसी का ही होगा, सिर्फ बच्चे का कर सकते हैं प्रपोजर पेरेंट्स का होगा तो। ओके ঠিক আছে, আমি একটু পরে জয়েন করলাম বলে আমি একটু আপসা আপসা আছে, কিন্তু আপনি পরের মাসে তো অনেকগুলো করছেন, আমি আই উইল জয়েন। ওকে স্যার, বাকি তো ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে আপনি বললেন? হ্যাঁ ইউটিউবে সবগুলো আছে, এটার উপরও আছে জাদু অফ টুগেদারনেস বল কে এক ভিডিও হে মেরা, আপ সার্চ করেন তো দেখেঙ্গে তো উসমে ভি ওই কনসেপ্ট হ্যায় লেকিন ও ভিডিও বহুত পুরানা হ্যায় লগভগ 2 সাল পুরানি ভিডিও হ্যায় বাট কনসেপ্ট ওহি হ্যায়। उसमें मैंने दिया था कि आप 2 साल 2,000 रुपए का RD करो 5 साल के लिए, मतलब 1,20,000 रुपए आ गया और आपको कोई भी पॉलिसी जीवन आनंद छोड़ के और जीवन लाभ छोड़ के कोई भी पॉलिसी दे दो 1,20,000 के समय शुरू, क्योंकि जीवन लाभ आपको 2 लाख के नीचे नहीं आएगा और जीवन आनंद नहीं होगा, तो जीवन आनंद छोड़ के कोई भी समय पॉलिसी 1,20,000 कोई भी टर्म में दे सकते हैं और वो 2 साल पुरानी है तो तब का वीडियो का रिकॉर्डिंग तो उसी हिसाब से है। तो वो लाइव सेशन था मेरा मोलाली में, उसी का प्रोग्राम था, यूट्यूब में है। यूट्यूब में किस किस नाम से है आपको? धनिता इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। धनिता में नाम कही है? हाँ ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो लिंक भी शेयर कर देंगे। ओके, धनिता में ही, धनिता नाम से ही है यूट्यूब में? आप ग्रुप में जो अभी ग्रुप है ना जिसमें आप है अभी तो उस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे सेशन, वो सारे डिटेल्स लिंक। धोनीता नहीं सर, धोनी धनीता जुगलबंदी का मस्ती जो ग्रुप है ना उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके 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 थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सो सारे सबके अच्छा मनीष जी का फोन सवाल देना फॉर द सेशन, गुड इंफॉर्मेशन। ओके आप लोगों को कोई भी सवाल रहेगा तो अगर बाद में लेके आप काम करते हुए तो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप में देख के व्हाट्सएप में मैसेज दे दूंगा या जरूरत पर आई विल गिव यू कॉल, या आप मिस्टर सुबीर चैटर्जी से बात कर सकते हैं, मैं उनका नंबर वहां पे दिया हुआ था फिर मैंने एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर कर देता हूँ। चैटर्जी का नंबर ये रहा, कुमार चटर्जी 90074790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 79
आप लोग उस क्लब में ज्वाइन करें, उस क्लब में हम लोग ये भी सिखाएंगे कि आप इस पैंडेमिक पीरियड में कस्टमर से वीडियो कॉल में अगर सेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें आपको कौन सी चीज के ध्यान रखना चाहिए, आपके कौन से टूल्स चाहिए वीडियो कॉल के लिए, वो सारे चीज भी सिखाया जाएगा उसमें। और 3 महीना करके उसका क्लब का सब्सक्रिप्शन है, तो 3 महीने में 6 सेशन आपको मिलेंगे।
ओके एवरीवन, तो आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप लोग आगे कुछ भी रहेगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। चार्ज कितना है? हाँ, चार्ज कितना लगेगा इसका? कौन सा क्लब? वो क्लब का क्लब का क्लब क्लब का सर 3 महीने का एकदम नॉमिनल रिक्वेस्ट है 500 रुपीज सर। ओके ओके ओके, ओनली 500 रुपीज। थैंक यू, करेंगे हम लोग। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।